देखिए भाई किताब पर मुफरदिन वह हुआ इमा मजरूर अला अन्नहु सिफतुल लिमानन व मानाहु हीन इज़िन मा ला यदुल्लु जुज़ु लफ्ज़िही अला जुज़इही व फीही अन्नहु यूहिमु अन्न लफ्ज़ मौज़ूउन लिल मानल मुत्तसिफ बिल इफ़्रादि व तरकीबि क़ब्ल अल वज़ई व लैसा अल अम्रु कज़ालिक فإن اتصاف المعنى بالإفراد والتركيب إنما هو بعد الوضع. अच्छा भाई पहले गुज़श्ता सबक का खुलासा सुन लीजिए भाई. गुज़श्ता सबक में शारह जामी ने एक एतराज किया, अलबत्ता उसका जवाब जिक्र नहीं किया और मैंने उसका जवाब भी जिक्र कर दिया था. एतराज से पहले दरअसल वहां दो सवाल दो एतराज हुए थे और मुल्ला जामी रहमतुल्लाह ने दोनों का अलग अलग भी जवाब दिया और फिर एक फिर मुश्तरका जवाब दिया था इकट्ठा दोनों का. और उस जवाब पर जो इकट्ठा जवाब था मुश्तरका जवाब था उस पर एतराज वारिद होता था. एतराज सबसे पहले यह हुआ था कि अल कलिमतु लफ्जों वुज़ी अलिमानन, कलिमा ऐसा लफ्ज है जिसको माना के लिए वजा किया जाता हो. तो इस पर इश्काल हुआ कि कभी कभार तो लफ्ज को लफ्ज के लिए भी वजा किया जाता है, वो तो इस तारीफ से निकल गए भाई. जैसे इस्म उनको वजा किया गया है किताबुन कलमुन रजुलुन फरसुन जैदुन बकरुन अमरुन वगैरह के लिए, तो ये तो इस तारीफ से खारिज हो गया. तो उसका पहला जवाब दिया था कि हां, पहला तस्लीमी जवाब था कि हां हमें आपका एतराज तस्लीम है, कभी लफ्ज को लफ्ज के लिए भी वजा कर लिया जाता है. लेकिन यहां माना आम है, माना मा यतअल्लकु बिहिल क़स्दु, माना वो चीज है जिसके साथ इरादा मुतअल्लिक हो जाए, यानी जिसका इरादा कर लिया जाए, वो लफ्ज भी हो सकता है और गैर लफ्ज भी हो सकता है. तो लफ्ज माना के अंदर ही दाखिल है. दूसरा इश्काल फिर यह हुआ था कि तो फिर इसका आप क्या जवाब देंगे कि बाज औकात लफ्ज को मुरक्कब माना के लिए वजा कर लिया जाता है, जैसे जैदुन काइमुन, इसको क्या कहते हैं जुमला. तो जुमला वजा है किसके लिए, जैदुन काइमुन और इस जैसे मुरक्कब मुरक्कबात के लिए, यानी जो जुमले हैं. तवज्जो है, तो जुमला तो मुरक्कब होता है क्योंकि जैदुन काइमुन का क्या माना, जैद खड़ा है. तो जुजे लफ्ज क्या कर रहा है, जुजे माना पर दलालत कर रहा है. तो मालूम हुआ जैदुन कायमुन मुरक्कब है और इसके लिए एक लफ्ज जुमला वजा कर लिया. हालांकि आपने कलिमा की तारीफ में क्या कहा, अल कलिमतु लफ्जों वुजी अली मानम मुफरदिन, वहां तो आपने माना के साथ मुफरद की कैद लगाई और माना आम है, उससे लफ्ज भी मुराद हो सकता है. मालूम हुआ वो लफ्ज भी क्या होना चाहिए, मुफरद होना चाहिए. लिहाजा यहां पर तो जैदुन कायमुन वो मुफरद नहीं है बल्कि मुरक्कब है, क्योंकि जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है. जैदुन का माना और है, कायमुन का माना और है, और दोनों अपने अपने माना पर दलालत कर रहे हैं. तो उसका जवाब दिया था कि यहां जैदुन कायमुन में दो हैसियतें हैं. एक हैसियत है इनके तर्जमे की तरफ नजर करते हुए और एक हैसियत है कि जैदुन कायमुन को जुमला कहते हैं. इसका नाम क्या है, जुमला. तो जैदुन कायमुन को अगर इसके तर्जमे की तरफ नजर करें तो जैदुन कायमुन जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है, लिहाजा जैदुन कायमुन क्या है, मुरक्कब है. और जैदुन कायमुन बाई लिहाज कि इसके लिए जो लफ्ज वजा किया गया है यानी जुमलतुन, वो जुमलतुन उसमें जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत नहीं कर रहा. जुमलतुन का क्या माना, मसलन जैदुन कायमुन, तो जुमलतुन का जीम जैद पे दलालत करे, मीम जो है कायमुन पर दलालत करे, ऐसा नहीं है. तो जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत नहीं कर रहा, बाई एतबार जैदुन कायमुन मुफरद है. जैदुन कायमुन मुफरद है कि इसके लिए जो लफ्ज वजा किया गया है, देखो जैदुन कायमुन ये माना है किसका, जुमले का. जुमले के जरिए इसका इरादा किया गया है ना, तो यह माना है जुमले का और माना का मुफरद होना जरूरी है. और मुफरद माना किसे कहते हैं कि उस माना के लिए जो लफ्ज वजा किया गया हो. जैदुन कायमुन के लिए क्या वजा किया गया, जुमला. तो जैदुन कायमुन के लिए जो लफ्ज वजा किया गया है अगर जुजे लफ्ज इसके जुजे माना पर दलालत करे तो इस माना को क्या कहेंगे, इसको मुरक्कब कहेंगे, वरना इसको मुफरद कहेंगे.
तो गोया जैदुन कायमुन की दो हालतें हैं, एक हालत इसके तर्जमे की तरफ नजर करते हुए इस हैसियत से यह मुरक्कब है, और एक इसके लिए जो लफ्ज वजा किया गया है उसकी तरफ नजर करते हुए यह मुफरद है। तो लिहाजा यहां पर भी जुमला को माने मुफरद के लिए ही वजा किया गया है, मुरक्कब के लिए वजा नहीं किया गया। फिर इन दोनों का एक मुश्तरका जवाब दिया था, मुश्तरका जवाब दिया था और वह मनई जवाब था कि हमें आपका एतराज तस्लीम नहीं। आपने तो क्या कहा, दोनों एतराजों की बुनियाद इस बात पर थी कि लफ्ज को कभी लफ्ज के लिए वजा कर लिया जाता है, और शारह जामी ने एतराज को तस्लीम करके जवाब दिए थे। दूसरा जवाब मनई दिया इकट्ठा दोनों का कि नहीं, हमें आपकी यह बात तस्लीम नहीं कि लफ्ज को लफ्ज के लिए वजा कर लिया जाता है। इसम, फेल, हर्फ, जुमला, खबर, इनको लफ्जों के लिए वजा नहीं किया गया बल्कि मफहूमे कुल्ली के लिए वजा किया गया है। इसम किसे कहते हैं, ऐसा कलिमा जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करे और तीन जमानों में से कोई जमाना उसके साथ मिला हुआ ना हो। तो इसका इसम का मौजू लहू जो है वो जैद, अमर, बकर वगैरह नहीं है, यानी वो लफ्ज नहीं है बल्कि ये मफहूमे कुल्ली है, मफहूमे कुल्ली है। तो हासिल कलाम यह हुआ इस जवाब का कि लफ्ज को लफ्ज के लिए वजा नहीं किया जाता बल्कि मफहूमे कुल्ली के लिए वजा किया जाता है। उस पर शारह जामी ने फिर एतराज किया था कि आपकी यह बात इसम, फेल, जुमला, खबर वगैरह में तो चल जाएगी लेकिन जमीरें और इस जैसी चीजें जो हैं, यानी इसमें इशारा, इसमें मौसूल वगैरह में नहीं चलेंगी, इसलिए क्योंकि वहां पर जब जमीर मसलन एक लफ्ज की तरफ राजे है तो वही लफ्ज ही इसका मौजू लहू है, जमीर को उस लफ्ज ही के लिए वजा किया गया है, वहां कोई मफहूम कुल्ली नहीं है। उसको किसके लिए वजा किया गया है, एक खास लफ्ज के लिए वजा किया गया है, वहां मफहूम कुल्ली नहीं है। जैसे देखो मसलन आप कहते हैं जैदुन, तो मैं फौरन कहता हूं हुआ मुफरदुन, यह हुआ के जरिए इशारा है इस लफ्ज जैद जो आपने कहा, आपने लफ्ज क्या कहा जैद, मैंने क्या कहा हुआ मुफरदुन, तो यह हुआ के जरिए इशारा है किसकी तरफ, लफ्ज जैद की तरफ, और लफ्ज जैद जो है वो एक खास लफ्ज है और यह हुआ का मौजू लहू है। यहां जो मैंने हुआ जमीर को वजा किया किसके लिए वजा किया, लफ्ज जैद के लिए, तो लफ्ज जैद इसका मौजू लहू हुआ, और लफ्ज जैद वो तो एक खास लफ्ज है, वो कोई मफहूम कुल्ली नहीं है। या इसी तरह आप कहते हैं जैद, मैंने कहा हाजा मुफरदुन, ये जो आपने लफ्ज जैद कहा था हाजा के जरिए मैंने इसकी तरफ इशारा कर दिया, तो यह हाजा का मौजू लहू क्या है, लफ्ज जैद है जो कि खास है, एक खास लफ्ज है, तो यहां कोई मफहूम कुल्ली नहीं। या इसी तरह मैं कहता हूं अल्लदी कुलतहू मुफरदुन, वो जो लफ्ज आपने कहा वो, आपने जैद कहा और मैंने क्या कहा अल्लदी कुलतहू मुफरदुन, वो जो लफ्ज आपने कहा है वो मुफरद है। तो देखा ये इसमें मौसूल को मैंने वजा किया किसके लिए, लफ्ज जैद के लिए, तो यहां मौजू लहू खास है। पहले तो आपने मुश्तरका जवाब तो क्या दिया था, लफ्ज लफ्ज के लिए वजा नहीं होता बल्कि किसके लिए वजा होता है, मफहूमे कुल्ली के लिए। यहां तो देखो हुआ को वजा किया जैद के लिए, हाजा को वजा किया जैद के लिए, अल्लदी कुलतहू को वजा किया किसके लिए, जैद के लिए, तो यहां तो एक खास लफ्ज के लिए इन तीनों चीजों को, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल को वजा किया गया, वो खास लफ्ज इनका मौजू लहू है, यहां कोई मफहूमे कुल्ली इसका मौजू लहू नहीं है। तो आपका जवाब इसमें इनमें नहीं चल सकता। इस पर फिर मैंने आपको तफसील बतलाई थी कि सबसे पहले वजा की किस्में समझ लें कि वजा चार किस्म पर है, वजा भी आम हो और मौजू लहू भी आम, दूसरी किस्म वजा भी खास हो और मौजू लहू भी खास, तीसरी किस्म वजा आम हो लेकिन मौजू लहू खास, और चौथी सूरत के वजा खास हो और मौजू लहू आम हो। वजा भी आम हो और मौजू लहू भी आम हो, इसे कहते हैं कि एक चीज का तसव्वुर किया जाए माने आम के एतबार से, एक चीज का तसव्वुर किया जाए माने आम के एतबार से, और फिर उस माने आम ही को उसके लिए मौजू लहू बना दिया जाए। जैसे इंसान का तसव्वुर किया एक माने आम, यानी किसे कहते हैं इंसान, हैवाने नातिक, तो इंसान का तसव्वुर किया हैवाने नातिक के एतबार से, और हैवाने नातिक माने आम है, मफहूमे कुल्ली है, जैद वो भी क्या है हैवान नातिक, बकर वो भी क्या है हैवान नातिक, खालिद वो भी क्या है हैवान नातिक, तो ये एक माना आम है, मफहूम कुल्ली है। तो इंसान का तस्वूर की एक मफहूम कुल्ली के एतबार से, और फिर इसी
मफहूम कुल्ली को मौजू लहू बना दिया इंसान के लिए कि इंसान वजा है किसके लिए, हैवान नातिक के लिए, और वजा खास हो और मौजू लहू भी खास हो। जैसे मसलन आप जैद का तसव्वुर करते हैं, जैद का तसव्वुर किया माने खास के साथ, किसके साथ, माने खास क्या है जैद का कि वो एक इंसान है और उसकी ये अलामतें हैं, उसके बाल ऐसे हैं, आंखें ऐसी हैं, चेहरा ऐसा है, हाथ ऐसे हैं, कद उसका इतना है, रंग उसका ऐसा है, ये सारे जो तशख्खुसात हैं जो उसकी पहचान करवाते हैं, तवज्जो है, वरना तो बाकी तमाम साथी आपके एक जैसे हैं, सबकी दो आंखें हैं, दो कान हैं, सर है, दो हाथ पांव, लेकिन ये जो पहचान की चीजें होती हैं जिनके लिए आप पहचानते हैं कि ये फलां साथी है, ये फलां साथी है, ये किसके लिए पहचानते हैं, ये इन्हीं, ये उसकी आंखों का रंग है, उसका चेहरा है, उसका कद है, उसके बालों का रंग है वगैरह, ये सारी चीजें उसके क्या है, तशख्खुसात कहलाते हैं। तो मसलन जैद, आपने जैद का तसव्वुर किया किसके साथ, कि हैवाने नातिक है और उसके ये तशख्खुसात हैं, और फिर इन्हीं को क्या बना दिया, इन्हीं को मौजू लहू बना दिया किसके लिए, जैद के लिए, कि जैद किसका नाम है, हैवाने नातिक हो यानी इंसान हो और उसके ये तशख्खुसात हों। तो देखो वजा भी खास, जैद का तसव्वुर किया किस एतबार से, माने खास के एतबार से, माने खास कैसे है, सिर्फ हैवान नातिक होता वो तो माने आम है, लेकिन हैवान नातिक के साथ उसके तशख्खुसात भी हैं, तो अब ये माना क्या बन गया, खास। ये सिर्फ जैद पर सादिक आता है, किसी और पर नहीं। औरों का न कद इस जैसा है, न चेहरा इस जैसा है, न रंग इस जैसा है। तो ये जो खास माना का तसव्वुर किया और इसी खास माना को क्या कर दिया, मौजू लहू करार दे दिया, किसके लिए, जैद के लिए। तो यह है वजा भी खास और मौजू लहू भी खास। तीसरी सूरत यह है कि वजा हो आम और मौजू लहू हो खास। जैसे मसलन किसी शय का आप तसव्वुर करते हैं माने आम के एतबार से, और फिर उस माने आम को आईना और आला बनाते हैं उसकी जुजियात को देखने के लिए, और फिर उस लफ्ज को वजा करते हैं उनकी उसकी जुजियात में से एक एक जुजी के लिए, एक एक जुजी के लिए अलहदा वजह करते हैं। तो वजह तो है आम, वजह तो है आम, लेकिन मौजू लहू एक एक जुजी है, कभी वो जैद है, कभी अमर है, कभी बकर है, कभी खालिद है, तो मौजू लहू क्या हुआ, खास हो गया। मसलन देखो हुआ जमीर है, हुआ जमीर है, मसलन आपने लफ्ज जैद कहा, अब मैंने फौरन क्या कहा, हुआ मुफरदुन, यह हुआ के जरिए इशारा है किसकी तरफ, जैद की तरफ, किसकी तरफ, जैद की तरफ। तो पहले मैंने जैद का तसव्वुर किया एक माने आम के एतबार से, किसके एतबार से, मैं जैद की तरफ हुआ जमीर लौटाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैंने इसका माने आम के एतबार से तसव्वुर किया कि जैद क्या है, क्या होना चाहिए, मुफरद मुजक्कर और माकबल में उसका जिक्र हो चुका हो, तो ये एक माने आम का मैंने तसव्वुर किया, तवज्जो है, माने आम का तसव्वुर किया, इसको आला बनाया, मिरआत बनाया, और इस आले और इस आईने में मैंने देखा तो जैद इसकी शराइत पे पूरा उतर रहा था, जैद इसके अंदर नजर आ रहा था, तो फिर मैंने इस जैद के लिए हुआ जमीर को क्या कर दिया, वजा कर दिया। तो ये हुआ जमीर मुफरद मुजक्कर और जिसका जिक्र पहले हो चुका हो इसके लिए नहीं वजा, बल्कि जैद के लिए वजा, क्या मैंने किसके लिए वजा कर दी, आप जिसके लिए हुआ बोलेंगे गोया आपने उसके लिए हुआ को वजा कर दिया, आप हाजा के जरिए जिस चीज की तरफ भी इशारा करेंगे गोया आपने हाजा को उसके लिए वजा कर दिया। मसलन मेरे सामने ये किताब है तो मैं इसकी तरफ इशारा करता हूं हाजा किताबुन, तो मैंने हाजा को इसके लिए क्या कर दिया, वजा कर दिया। मेरे सामने कलम मौजूद है, मैं उसकी तरफ हाजा के जरिए इशारा करता हूं, मैं कहता हूं हाजा कलमुन, तो मैंने गोया हाजा को किसके लिए वजा कर दिया, इस कलम के लिए। तवज्जो है, तो ये जो हुआ हाजा और इसमें मौसूल है, हर एक के लिए इसकी अलग अलग वजह है। आप हजार जगह हाजा इस्तेमाल करें तो गोया आपने हजार चीजों के लिए अलग अलग हाजा को वजह कर दिया। लेकिन क्या हाजा हर चीज को कहेंगे, या वो मुफरद होनी चाहिए, मुजक्कर होनी चाहिए और आंखों से नजर आनी चाहिए, ये शर्तें उसमें होनी चाहिए, क्या हो, मुफरद हो, मुजक्कर हो और
आंखों से वो नजर आए, लिहाजा कुर्रासतुन, कुर्रासा कापी को कहते हैं जिसमें लिखता है इंसान। अब उसके लिए मैं हाजा इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो इन शराइत पर पूरा नहीं। वो मुफरत तो है, आंखों से नजर भी आ रही है कापी, लेकिन मुजक्कर नहीं है, उसके आखिर में तैतानीस जुड़ी हुई है। जिसके लिए भी मैं हाजा को वजा करूंगा, पहले उसको उस आईने में देखूंगा कि ये इस मफहूम कुल्ली पर पूरा उतरता है या नहीं। मैंने देखा, मसलन मैं किताब की तरफ हाजा के जरिए इशारा करना चाहता हूं, तो मैंने उस मफहूम कुल्ली को आईना और आला बनाया, और उस मफहूम कुल्ली में क्या क्या शराइत थी, मुफरद हो, मुजक्कर हो, आंखों से नजर आए, ये तीनों चीजें पूरी थी किताब के अंदर। यानी यूं समझो इस आईने में किताब नजर आ रही थी, तो मैंने उसके लिए क्या लफ्ज वजा कर दिया, हाजा का लफ्ज वजा कर दिया। तो मैंने गोया तसव्वुर किया एक माने आम का, लेकिन उस माने आम को मैंने मौजू लहू नहीं बनाया, बल्कि उसको सिर्फ वासिता और जरिया बनाया है। मौजू लहू मैंने किसको बनाया, उस खास चीज को, उस यानी उसके लिए इस हाजा को मैंने वजा कर दिया। अब मैं कुर्रासतुन के लिए हाजा वजा करना चाहता हूं, लेकिन वो जो आईना लेकर आया, उस आईने में मैं कुर्रासतुन को देखने की कोशिश करता हूं, वो नजर ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उसमें शर्तें पूरी नहीं है, लिहाजा उसके लिए अब मैं हाजा को वजा नहीं कर सकता। भाई तो इनमें देखो, वजा है आम और मौजू लहू है खास, यानी उस्मान आम का भी तस्वूर आप करते हैं, जिसके लिए भी आपने हुआ को वजा करना है या जिसके लिए भी हाजा को वजा करना है, उस माने आम का भी आपको क्या करना पड़ेगा, तसव्वुर। लेकिन उस माने आम के लिए आप हाजा और हुआ को वजा नहीं करेंगे, उस माने आम को आप सिर्फ वासिता बनाएंगे, आला बनाएंगे, और वह मौजू लहू किसको बनाएंगे, वो खास चीज जिसकी तरफ आप हुआ के जरिए इशारा करें, वो मौजू लहू कहलाएगा। तो यह वजा है आम और मौजू लहू है खास। और चौथी सूरत यह थी कि वजा खास हो और मौजू लहू आम हो। मैंने बताया इसकी कोई मिसाल वाकई में नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कि वजा खास हो और मौजू लहू आम हो, यह एक अकली एहतमाल है, तो इसको भी साथ वैसे जिक्र कर दिया जाता है। अब इश्काल यह होता है, साहिब का जामी ने जो इश्काल जिक्र किया था कि आपने क्या कहा था कि लफ्ज को लफ्ज के लिए वजा नहीं किया जाता, बल्कि लफ्ज को मफहूमे कुल्ली के लिए वजा किया जाता है। तो जमीरें अस्मा इशारा, अस्मा मौसूला, इसके जरिए जब किसकी तरफ इशारा हो, कौन मुराद हो, लफ्ज, क्या मुराद हो, लफ्ज, तो ये जो जमीर या इसमें इशारा वगैरह को जो वजा किया गया, इसको वजा भी उसी खास लफ्ज के लिए वजा किया गया है। आपने जैदुन कहा, मैंने कहा हुआ मुफरदुन, ये हुआ से किसकी तरफ इशारा है, कौन मुराद है, जैद मुराद है। तो देखो यहां हुआ लफ्ज जैद के लिए वजा है, कि यहां कोई मफहूम कुल्ली नहीं जिसके लिए हुआ को वजा किया गया हो। तो आपने जो क्या कहा था कि लफ्ज को लफ्ज के लिए वजा नहीं करते, बल्कि किसके लिए वजा करते हैं, मफहूम कुल्ली के लिए वजा करते हैं, यहां तो कोई मफहूम कुल्ली है ही नहीं, यहां तो हुआ को लफ्ज जैद के लिए वजा किया है, या हाजा को लफ्ज जैद के लिए वजा किया है। बात समझ में आ गई, तो उसका जवाब भी मैंने दिया था, बतलाया था कि उलमा इसका जवाब देते हैं और फरमाते हैं कि दरअसल यहां दो मजाहिब हैं, एक मुतकद्दिमीन का मजहब है, एक मुताखिरीन का। मुतकद्दिमीन जो उलमा पहले गुजरे, मुताखिरीन जो बाद वाले आए। तो मुतकद्दिमीन उलमा का मजहब यह है कि ये जो जमीरें अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला वगैरह हैं, इनमें वजा भी आम है और मौजू लहू भी आम है। यूं कहो कि इनमें मौजू लहू आम होता है, बिशर्तिल इस्तेमाल फिल जुजियात। मौजू लहू क्या होता है, आम होता है। हुआ को जैद के लिए नहीं वजा किया, मसलन आपने कहा जैद, मैंने क्या कहा, हुआ मुफरदुन, हुआ के लिए इशारा है किसकी तरफ, जैद की तरफ। तो मुतकद्दिमीन कहते हैं ये जो हुआ के जरिए आपने इशारा किया किसकी तरफ, जैद की तरफ, तो ये आपने हुआ को जैद के लिए वजा नहीं किया, बल्कि वजा तो हुआ उसी माने कुल्ली के लिए है। कौन सा,
कि जो भी चीज मुफरद हो मुजक्कर हो और उसका जिक्र पहले हो चुका हो तो इसके लिए हुआ वजह है। हां अलबत्ता इस्तेमाल ये जुजियात में होती है अफराद में होती है, कभी जैद के लिए इस्तेमाल होगी, कभी बकर के लिए, कभी खालिद के लिए, कभी किताब के लिए, कभी कलम के लिए। तो यूं कहे मौजू लहू इसका आम ही है, मफहूम कुल्ली ही है। हां अलबत्ता ये इस्तेमाल किस में होती है, जुजियात में होती है। और यह है मुतकद्दिमीन का मसहब। जबकि मुताखिरीन जो है वो कहते हैं कि जिन लफ्जों की तरफ हुआ या हाजा के जरिए इशारा किया जाए ये इन्हीं के लिए वजह है, तो वो ये इनका मौजू लहू है, ये इनका मौजू लहू है। और ये इख्तिलाफ की वजह क्या है, इख्तिलाफ क्यों करते हैं? दरअसल मुताखिरीन कहते हैं कि ये जो हुआ हाजा वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं ये इन्हीं चीजों के लिए आप वजह करते हैं। आपने हुआ के जरिए जैद की तरफ इशारा किया तो कहेंगे आपने हुआ को जैद के लिए वजह कर दिया। हुआ के जरिए जब आप अमर की तरफ इशारा करेंगे, अमर मुराद लेंगे, तो हम कहेंगे आपने हुआ को अमर के लिए वजह कर दिया। ये वजह है जुजियात के लिए, लेकिन मफहूम कुल्ली को भी मलहूज रखना पड़ता है, इसलिए क्योंकि जुजियात बहुत ज्यादा हैं और तमाम जुजियात मौजूद भी नहीं। कुछ जुजियात तो अभी हैं, कुछ गुजर चुकी हैं, कुछ अगले जमाने में आएंगी जिनका भी वजूद ही नहीं है, अगले जमाने में इनका वजूद होगा, तो जुजियात सारी मौजूद भी नहीं, कुछ मौजूद हैं और कुछ मादूम हैं। इसी तरह कुछ जुजियात हाजिर हैं और कुछ जुजियात आपके पास से गायब हैं। तो हुआ सिर्फ आप इस्तेमाल करते हैं या और अफराद भी इस्तेमाल करते हैं? तो जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो ठीक है, आपके पास मौजूद या आपके जहन में हाजिर है, लेकिन बाकी तमाम चीजें तो आपके जहन में हाजिर नहीं। हुआ को आप वजह कर सकते हैं हर मुफरद मुजक्कर चीज के लिए जिसका जिक्र पहले हो चुका हो, लेकिन ये तमाम जुजियात बैक वक्त हाजिर भी नहीं और मौजूद भी नहीं, कुछ का वजूद अभी है ही नहीं, वो मुस्तकबिल में उनका वजूद होगा। तो लिहाजा मफहूम कुल्ली को फिर वास्ता और आईना बनाया जाता है, उसमें देखा जाता है। जिस चीज के लिए भी आप हुआ वजा करना चाहते हैं पहले उस आईने में देख लो कि इसके अंदर वो शर्तें पूरी हैं, मुफरद है, मुजक्कर है, पहले इसका जिक्र हो चुका है, तो फिर आप उसके लिए हुआ क्या कर देंगे, वजा कर देंगे। तो यह हर फर्द के लिए ही वजा है। ये तो था मुताखिरीन का मजहब, जबकि मुतकद्दिमीन का मजहब यह है कि जुजियात के लिए यह वजा नहीं है, ये जुजियात के लिए वजा नहीं है। जुजियात में ये इस्तेमाल होते हैं हुआ और हाजा, ये वजा मफहूम कुल्ली के लिए हैं, इसलिए क्योंकि जुजियात बहुत ज्यादा हैं, वो हमारे काबू में नहीं आ सकती भाई, कुछ अभी हैं, कुछ अभी अगले जमाने में आएंगी, उनको हम जानते ही नहीं हैं, कुछ हमारे सामने है, हमारे जहन में हाजिर है, हमारे आसपास है, कुछ दुनिया के दूसरे कोनों में है, जिसके हर एक अरबी बोलने वाला उनके लिए हुआ इस्तेमाल करेगा, यानी जो भी मुफरद मुजक्कर चीज होगी और माकबल में जिक्र होगा। तो लिहाजा ये सारे ना हमारे जहन में हाजिर हैं ना हमारे पास मौजूद हैं, तो जुजियात जो हैं वो हमारे काबू में नहीं, हमारी गिरफ्त में नहीं आ सकती। तो जबकि मौजू लहू जो है वो तो ऐसा होना चाहिए जो गिरफ्त में आ सके, काबू में आ सके। तो लिहाजा वो कहते हैं इसको वजा किया गया है मफहूम कुल्ली के लिए, हुआ एक मफहूम कुल्ली के लिए वजह है, और जिन जिन चीजों में आप इस्तेमाल करेंगे वो इसके अफराद हैं, वो इसके मौजू लहू नहीं है। तो जवाब उसका ये कि भाई ये आपने जो पीछे जो जवाब दिया था वो मुतकद्दिमीन के मजहब पर था, और जो एतराज कर रहे हैं वो मुताखिरीन के मजहब को लेकर कर रहे हैं कि उनके नजदीक हुआ और हाजा वगैरह जो है इनका मौजू लहू खास होता है। क्या होता है? हालांकि मुतकद्दिमीन के नजदीक तो क्या होता है, मौजू लहू खास नहीं होता बल्कि मफहूम कुल्ली होता है। तो जो जवाब दिया गया था वो किसके मजहब पर मबनी था? मुतकद्दिमीन के मजहब पर। और एतराज किसको लेकर कर रहे हैं? मुताखिरीन के मजहब को। तो मुताखिरीन के मजहब को लेकर आप मुतकद्दिमीन के मजहब पर एतराज नहीं कर सकते। मुतकद्दिमीन के मजहब के मुताबिक ये जमीरों के अंदर भी एक मफहूम कुल्ली होता है और ये उन्हीं के लिए वजा होती हैं, लिहाजा ये एतराज उन पर वारिद ही नहीं होता। तफसील समझ में आ गई। अब आगे देखिए भाई, मुफरदिन वहुवा इम्मा मजरूरुन अला अन्नहु सिफतुल लिमानउ व मानाहु हीन इजिन मा ला यदुल्लु जुज़ु लफ्ज़िही अला जुज़िह। मुफरदिन भाई, मुफरदिन
साहिब काफिया की तारीफ चल रही है कलिमा की। साहिब काफिया ने फरमाया अल कलिमा तो लफ्जों वो जिया लिमाना मुफरदिन, लफ्जों के बारे में भी तफसील बयान हो गई, वजा के बारे में भी तफसील बयान हो गई, माना के बारे में भी बयान हो गया, और अब आखिरी कैद थी तारीफ में मुफरदिन की, उसके बारे में बतलाने लगे हैं। याद रखो ये जो मुफरद है इसको तीन तरह पढ़ना जायज है, मुफरदिन मुफरदुन मुफरदन, मुफरदिन मुफरदुन मुफरदन, यानी इस पर रफा भी नसब भी और जर भी तीनों तरह पढ़ा जा सकता है। अब ये क्या क्या बनेंगे आप यही समझ लें, इसको याद रखो। अगर आप पढ़ें मुफरदिन तो फिर ये मजरूर है, तो ये सिफत बनेगी माना की, लिमानन, माना क्या था मजरूर, उस पर क्या दाखिल है लाम जर्रा, लिमाना मुफरदिन, तो माना मजरूर, मौसूफ मजरूर हो तो सिफत भी क्या होती है मजरूर, इसलिए मुफरदिन इसकी सिफत मजरूर आई। आप कहेंगे लिमानन मुफरदिन, मानन तो मंसूब है, मानन तो उस पर तो आप जबर पढ़ रहे हैं और मुफरदिन पर जेर पढ़ रहे हैं, नहीं भाई नहीं, ये मानन मंसूब नहीं है, ये मजरूर ही है क्योंकि इस पर लाम जार्रा दाखिल है, लाम जार्रा दाखिल है और ये मजरूर, तो इसलिए इसकी सिफत मुफरदिन भी मजरूर। फिर सवाल पैदा होता है कि मानन पर फिर ये जबर क्यों पढ़ रहे हैं, तो याद रखो ये इसमें मकसूर है, ये क्या है इसमें मकसूर, इसमें मकसूर वो है जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा आए। अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं, आम अलिफ को क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा। एक अलिफ मकसूरा होता है छोटा अलिफ, एक अलिफ ममदूदा होता है भाई जिसको खूब खींचा जाता है और लंबा पढ़ा जाता है, तो ये अलिफ मकसूरा आम अलिफ को कहते हैं। बास तलबा समझते हैं शायद ये खड़ी जबर जो है इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, नहीं नहीं, ये जो आम अलिफ है इसको क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा कहते हैं। तो ये इसमें मकसूर है और इसमें मकसूर किसे कहते हैं, जिसके आखिर में क्या है अलिफ मकसूरा, जैसे मूसा ईसा हुबला। तो सवाल पैदा होता है कि मानन के अंदर तो हमें कोई अलिफ नजर नहीं आ रहा, कोई अलिफ हम नहीं पढ़ रहे, तो ये इसमें मकसूर कैसे, तो जवाब याद रखना कि यहां अलिफ तकदीरन मौजूद है, अलिफ फर्ज कर लो मौजूद है भाई, वजह यह कि अलिफ इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिरा है। असल में क्या था मानयुन, क्या था मान, या यहां मजरूर निकाल लो, लाम जार्रा दाखिल है, लिमानयिन, फिर या मुतहर्रिक माकबल नून पर फतहा, या और वह मुतहर्रिक हो और माकबल हर्फ पर फतहा हो तो उसको अलिफ से बदलते हैं, तो इस या को भी अलिफ से बदल दिया, तो आखिर में नून तनवीन का भी है और अलिफ भी आ गया, दोनों साकिन हैं, तो क्या बन गया लफ्ज लिमानान, लिमानान। ये अलिफ कहां से आया, ये वो या मुतहर्रिक है जो किससे बदल गई अलिफ से, क्योंकि माकबल फतहा था और आगे नून ने तनवीन भी है भाई, तो इज्तिमाई साकिनैन अला गैरी हद्दी ही आया। याद रखो इज्तिमाई साकिनैन अला गैरी हद्दी ही आए जब, यानी दो साकिन जब इकट्ठे हो जाएं जमा हो जाएं तो फिर दो सूरतें होती हैं, अव्वल अगर मद्दा हो तो उसको गिरा देते हैं, वरना अव्वल को हरकत देते हैं कि असाकिन इजा हुर्रिका हुर्रिका बिल कसर, तवज्जो है, तो उस सूरत में फिर अव्वल को हरकत देते हैं, लेकिन यहां पर लिमानान इसमें अलिफ क्या है, अलिफ भी साकिन नून भी साकिन और अलिफ हरफे मद्दा है। आपने पढ़ा है कि वो अलिफ और या जब इनसे माकबल की हरकत इनके मुआफिक हो तो इनको हरफे मद्दा कहते हैं, वो से पहले पेश आ जाए, या से माकबल जेर आ जाए और अलिफ से माकबल तो होता ही हमेशा जबर है, तो इस सूरत में इनको क्या कहते हैं, हरफे मद्दा। मद्द उनका माना है खींचना, चूंकि इस सूरत में भी ये उसी हरकत को खींचकर लंबा कर देते हैं, जैसे हजरमूत भाई, हजरमूत में देखो वाव से माकबल मीम पर पेश है, तो इस वाव ने क्या फायदे दिया कि उसी पेश को आपने लंबा कर दिया हजरमूत, अगर वाव ना होता कैसे पढ़ते हजरमूत, लेकिन वाव ने क्या फायदा दिया, उस पेश को लंबा कर दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं हरफे मद्दा। इसी तरह या आए और माकबल कसरा हो तो या क्या फायदा देगी कि उस कसरा को खींचकर लंबा कर देगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं हरफे मद्दा। तो यहां पर भी लिमानान ये
अलिफ क्या है? हर्फ मद्दा। तो इज्तिमाई साकिनैन आया, अव्वल हर्फ मद्दा है अलिफ, उसको गिरा दिया तो क्या बन गया? लिमानन। तवज्जो है, तो ये इसमें मकसूर है। तो अलिफ जो गिरा है वो इज्तिमाई साकिनैन से गिरा है, तो यूं कहो तकदीरन अलिफ अभी भी मौजूद है। अगर इस पर अलिफ लाम होता फिर इस अलिफ ने नहीं गिरना था, क्योंकि अलिफ क्यों गिरा है? इज्तिमाई साकिनैन आया किसके दरमियान? अलिफ और नूने तनवीन के दरमियान। अगर अलमाना होता तो फिर अलमाना असल में क्या था? अलमानायो, आखिर में तनवीन नहीं है क्योंकि अलिफ लाम है शुरू में। अलमानायो फिर या मुतहरिक मा कबल फतहा, उसको किससे बदला? अलिफ से। अलमाना अब यह अलिफ नहीं गिरेगा, इज्तिमाई साकिनैन यहां नहीं है भाई। तो लिमानन क्या है? यह इसमें मकसूर है और मजरूर है, मजरूर है। और कौन सा मजरूर है? इसमें मकसूर का क्या एराब है? उस पर तीनों एराब तकदीरी आते हैं। तो लाम जारा मानन मजरूर, तकदीरन मौसूफ, और मुफरदिन मजरूर लफ्जन उसकी सिफत। और इस मुफरदिन ये सिफत का सीगा है। कौन सा सीगा है ये? मुफरद। कौन सा सीगा है? इसमें मफूल है, और इसमें मफूल के लिए हमेशा क्या चाहिए? नाई फाइल। मैंने आपको बताया था जैसे फेल के लिए फाइल या नाई फाइल होना जरूरी, इसी तरह सिफत के सिगों के लिए भी फाइल या नाई फाइल का होना जरूरी। इसमें फाइल के लिए तो फाइल चाहिए होता है, जारिबुन के लिए क्या चाहिए? हुआ, उसके अंदर फाइल। और मजरूबुन के लिए क्या चाहिए? नाई फाइल, जो इसके अंदर हुआ जमीर है। तो मुफरद भी इसमें मफूल का सिगा, इसके अंदर हुआ जमीर, मरफू, महलन, इसका नाई फाइल, जो किसको राजे? मानन। शाबाश, क्योंकि ये सिफत है, और सिफत को किससे जोड़ते हैं? मौसूफ से। तो मानन है मौसूफ और मुफरदिन है उसकी सिफत। तो इसमें मफूल अपने नाई फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर ये सिफत हुई मानन की, और मानन मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मजरूर हुआ लाम जारा के लिए, और जार मजरूर मिलकर मुतालिक हुए वुज़िया फेल से। जार मजरूर कितनी चीजों से मुतालिक होते हैं? आठ चीजों से। फेल, मसदर, इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफत मुशब्बा, इसमें तफजील, मुबालगे के सीगे, और इसमें फेल, और इसमें फेल। फिर दोहरा लें, जार मजरूर कितनी चीजों से मुतालिक होते हैं? आठ चीजों से। कौन कौन सी? नंबर एक फेल, नंबर दो मसदर, नंबर तीन इसमें फाइल, नंबर चार इसमें मफूल, नंबर पांच सिफत मुशब्बा, नंबर छह इसमें तफजील, नंबर सात मुबालगे के सीगे, और नंबर आठ इसमें फेल। तो ये आठ चीजें हैं, तो उनमें से वुज़िया फेल भी है, तो लिमानम मुफरदिन उसके साथ जुड़ जाएगा। मालूम हुआ माना मुफरद होना चाहिए। माना क्या होना चाहिए? अल कलिमतु लफ्जों वुज़िया लिमानम मुफरदिन। कलिमा ऐसा लफ्ज है जिसको वजा किया गया हो, यानी मुकर्रर किया गया हो, किसके लिए? मानाए मुफरद के लिए। किसके लिए? मानाए मुफरद के लिए मुकर्रर किया गया हो। देखिए किताब पर मुफरदिन, देखिए मुफरदिन पर भी आप देख रहे हैं तीनों तरह के एराब लिखे हुए हैं, मुफरदिन, मुफरदान, मुफरदुन, क्योंकि ये तीनों एहतमाल हैं इसमें भाई। कहते हैं वह इम्मा मजरूरुन अला अन्नहु सिफतुन लिमानन, या तो ये मजरूर है बिनाबर इसके कि ये सिफत है माना की, व मानाहु हीन इज़िन, और इसका माना ये होगा इस सूरत में, इस वक्त इसका फिर माना ये होगा। क्या? किसका माना? जब ये सिफत है किसकी? माना की। तो मालूम हुआ माना मुफरद हो, मुफरद माना होने का क्या माना? मुफरद माना किसे कहते हैं? मुफरद माना किसे कहते हैं बताइए आप जी भाई। ये तो मैंने कल भी बयान किया था, अभी भी बयान किया, परसों के सबक में भी बयान किया था, चलो दोबारा सुनो। मालूम हुआ अभी तक आपको बात नहीं समझ में आई। मुफरद माना किसे कहते हैं? मुफरद माना किसे कहते हैं? याद रखो, मुफरद माना उसको कहेंगे कि इस माना के लिए जो लफ्ज वजा किया गया है उस लफ्ज का जुज इस माना के जुज पर दलालत ना करे। तवज्जो है, जैसे देखो जैद खड़ा है, इसके लिए अरबी में क्या वजह किया गया है? जैदुन कायमुन। तो अब हम देखना चाहते हैं जैद खड़ा है यह माना मुफरद है या मुफरद नहीं, तो इसके लिए हम देखेंगे कौन सा लफ्ज वजह किया गया,
زید قائم, تو وہ لفظ اس لفظ کا جز اس معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ آپ دیکھنا یہ چاہتے ہیں زید کھڑا ہے, یہ معنی ہے. کس کا معنی ہے؟ زید قائم کا. اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ معنی مفرد ہے یا مرکب ہے, توجہ ہے؟ تو اس معنی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے اس پہ نظر کرو اور دیکھو کہ وہ جو لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس لفظ کا جز اس معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں. اگر اس لفظ کا جز اس معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے تو یہ معنی مفرد نہیں کہلائے گا, یہ مرکب کہلائے گا. مثلا زید کھڑا ہے, اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ مفرد ہے یا مرکب ہے, یہ معنی ہے. کیا ہے؟ معنی. تو اس کے لیے کیا لفظ وضع کیا گیا ہے؟ زید قائم. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس معنی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے تو وہ جزء لفظ اس معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر جزء لفظ جزء معنی پر دلالت کر رہا ہے تو یہ معنی مرکب ہے, یہ معنی مرکب. اب مجھے بتائیے زید کھڑا ہے اس کے لیے کیا لفظ وضع؟ زید قائم. تو یہ جو لفظ ہے جزء لفظ جزء معنی پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں؟ کر رہا ہے. معلوم ہوا یہ معنی مرکب ہے, یہ معنی مرکب. اور معلوم ہوا زید قائم لفظ بھی مرکب ہے. جزء لفظ جب جزء معنی پر دلالت کرے وہ لفظ بھی مرکب ہوتا ہے اور اس کا معنی بھی کیا کہلاتا ہے؟ مرکب کہلاتا ہے. اور اگر جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہ کرے تو وہ لفظ بھی مفرد کہلاتا ہے اور معنی بھی مفرد کہلاتا ہے. مثلا دیکھو زید قائم کو عربی میں نحو میں کیا کہتے ہیں؟ زید قائم کو نحو میں کیا کہتے ہیں؟ جملہ. کیا کہتے ہیں؟ جملہ. تو جب بھی جملہ بولیں اس طرح کا ایک کلام جو ہے اس کا ارادہ کیا جاتا ہے جس میں کم از کم کتنے لفظ ہوں؟ دو, اور ان کے درمیان کیا پائی جائے؟ اسناد پائی جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ. تو گویا زید قائم کے لیے کیا لفظ وضع ہے نحو میں؟ جملہ. تو گویا یہ زید قائم جملہ کا معنی ہوا. جملہ کے ذریعے یہ اس کا ارادہ کیا جاتا ہے. معنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا ارادہ کیا جائے. تو جملہ بول کر مثلا کس کا ارادہ ہے؟ زید قائم. توجہ ہے بھائی, آپ نے اپنے سامنے لکھا زید قائم, میں نے کہا ہاذا جملہ, یہ کیا ہے؟ جملہ ہے. تو جملے سے میرا ارادہ کس کا ہے؟ زید قائم. کس کا ارادہ؟ تو معلوم ہوا یہ اس جملے کا معنی ہے. جملہ معنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا ارادہ کیا جائے, چاہے وہ لفظ ہو چاہے غیر لفظ ہو. توجہ ہے. تو گویا یہ زید قائم یہ جملے کا معنی ہے. پہلے زید قائم تھا لفظ اور اس کا معنی کیا تھا؟ زید کھڑا ہے. توجہ ہے. اب زید قائم بن گیا معنی اور اس کے لیے لفظ کون سا وضع ہے؟ جملہ. توجہ ہے. زید قائم کے لیے کون سا لفظ وضع ہے؟ جملہ. تو زید قائم ہوا معنی اور جملہ کیا ہوا؟ لفظ. اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زید قائم مفرد ہے یا مرکب ہے. یہ زید قائم اس وقت معنی ہے. کس کا؟ جملے کا. نہیں, توجہ میرا خیال. زید قائم اس وقت کیا ہے؟ معنی ہے. کس کا؟ جملے کا. میں نے کہا ہاذا جملہ, اس جملے سے میرا کیا مراد ہے؟ زید قائم. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں زید قائم مفرد ہے یا مرکب ہے. تو زید قائم کے لیے کیا لفظ وضع؟ جملہ. اب دیکھ لو کہ وہ جو لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے اس لفظ کا جز اس معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں. اگر کر رہا ہے تو یہ دونوں مرکب, لفظ بھی مرکب اور معنی بھی مرکب. اور اگر دلالت نہیں کر رہا تو لفظ بھی مفرد اور معنی بھی مفرد. اب مجھے بتائیے جملہ کس کے لیے وضع؟ زید قائم کے لیے. تو جملہ کی جیم, اس کا میم اور اس کا لام کیا زید قائم کے کسی جز پر دلالت کر رہے ہیں؟ نہیں. تو جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہیں کر رہا, تو لہذا جملہ کا لفظ بھی مفرد اور اس کا جو معنی ہے زید قائم وہ بھی مفرد ہے. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو حاصل ہے کلام یہ کہ جزء لفظ جب جزء معنی پر دلالت کرے تو وہ لفظ بھی مرکب کہلاتا ہے اور وہ معنی بھی مرکب کہلاتا ہے. اور اگر جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہ کرے تو وہ معنی بھی مفرد کہلاتا ہے اور وہ لفظ بھی مفرد کہلاتا ہے. مثلا میں نے زید کہا, آپ کے ذہن میں زید کی صورت آ گئی, زید کی صورت آ گئی. تو لفظ زید
इसके जरिए किसका इरादा, जाते जैद का, तो वो इसका माना हुआ। वो क्या हुआ, अब मुझे बताइए लफ्ज़े जैद की जा या दाल उसकी जात के अज्जा पे दलालत कर रहे हैं, जा से कोई उसका सर मुराद हो, या से उसका धड़ मुराद हो, दाल से उसकी टांगे मुराद हो, क्या ऐसा है? नहीं। तो जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत नहीं कर रहा, लिहाजा जैद भी मुफरत, लफ्ज़े जैद भी मुफरत, और जो उसका माना है यानी जाते जैद वो भी मुफरत है जी। अब बताइए मुफरत लफ्ज और मुफरत माना किसे कहेंगे? जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत न करे तो उसको क्या कहेंगे? मुफरत। वो लफ्ज भी मुफरत और वो माना भी मुफरत। और अगर जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत करे तो वो लफ्ज भी मुरक्कब और वो माना भी मुरक्कब। यहां तक बात समझ में आ गई? तो देखिए अब किताब पर कहते हैं वह हुआ इम्मा मजरूर अला अन्नहु सिफतुन लिमानन, के ये मुफरत का लफ्ज या तो मजरूर है बिना पर इसके कि यह सिफत है माना की, व माना हु हीन इज़िन, और इस वक्त इसका माना क्या होगा, मा ला यदुल्लु। देखो मुफरत सिफत बन गई किसकी, माना की। मालूम हुआ माना मुफरत हो, माना लफ्ज को वजह किया जाए किसके लिए, माना मुफरत के लिए। तो माना मुफरत किसे कहते हैं, अब वो बयान करने लगे वह माना हु हीन इज़िन, और उस वक्त इसका माना यह होगा। ये जब मुफरत को किसकी सिफत बनाए, माना की, जब मुफरत को माना की सिफत बनाए तो उस वक्त उसका माना यह होगा कि वो माना मा ला यदुल्लु जुज़ लफ्ज़िही अला जुज़इही, ये मा से मुराद है माना। तो मुफरत माना उस वक्त वो माना होगा कि ला यदुल्लु जुज़ लफ्ज़िही, कि दलालत न करे उस माना के लफ्ज का जुज, उस माना के लिए जो लफ्ज वजा किया गया है उस लफ्ज का जुज दलालत न करे, आला जुज ही इस माना के जुज पर। मुफरद माना वो है कि उसके लफ्ज का जुज इस माना के जुज पर दलालत न करे, तो इस माना को क्या कहेंगे कि ये माना मुफरद है। तो मुफरद लफ्ज और मुफरद माना अच्छी तरह समझ में आ गया। यहां एक और छोटी सी बात समझ लें भाई, छोटी सी बात, मुफरद माना यह ना समझें कि मुफरद माना वो होगा कि माना के अंदर तरकीब ही नहीं होगी सिरे से, तवज्जो है। मुफरद माना भाई मुफरद लफ्ज तो उसको कहते हैं कि जिसमें तरकीब ना हो, लेकिन मुफरद माना उसको नहीं कहते जिसमें तरकीब ना हो, बल्कि मुफरद माना उसे कहेंगे कि उसके लिए जो लफ्ज वजा किया गया है तो वह जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत न करे। अगर आप यह कहें मुफरद माना उसको कहेंगे जिसमें सिरे से तरकीब ही ना हो, जिसमें सिरे से तरकीब ही ना हो, फिर तो फेल जो है वो कलिमा से निकल जाएगा, क्योंकि कलिमा किसे कहा, अल कलिमा तो लफ्जों वुज आलिमाना मुफरदिन, कलिमा वो लफ्ज है जिसको वजा किया गया हो किसके लिए, मुफरद माना के लिए। और मुफरद माना से आप, मुफरद माना से अगर आप क्या इरादा कर लें कि माना के अंदर तरकीब ना हो, तो फिर तो फेल निकल गया, क्योंकि फेल जो है याद रखें उसका जो मफहूम होता है वो मुरक्कब होता है तीन चीजों से। फेल के अंदर एक तो मस्दर होता है, एक जमाना होता है, और तीसरा निस्बत इलल फाइल। फेल का मफहूम, फेल का जो माना है वो मुरक्कब है तीन चीजों से, उसमें माना मस्दरी भी होता है, उसमें जमाना भी होता है, और उसमें निस्बत इलल फाइल भी। जैसे देखो जराबा, जराबा के अंदर जर्ब का माना भी है और जमाना भी है कि यह जर्ब किस जमाने में हुई है, माजी के जमाने में, और नीज निस्बत इलल फाइल भी है कि कोई इस जर्ब का लगाने वाला है। तो फेल का माना मुरक्कब होता है कितनी चीजों से, तीन चीजों से, नंबर एक मस्दर, नंबर दो जमाना, नंबर तीन निस्बत इलल फाइल। तो अगर मुफरद माना से यह मुराद लिया जाए कि वो माना जिसमें बिल्कुल कोई तरकीब ना हो, फिर तो फेल निकल गया, क्योंकि उसके माना में तो क्या है, तरकीब है। तो लिहाजा मुफरद माना किसे कहेंगे कि उस माना के लिए जो लफ्ज वजा किया गया है उस लफ्ज का जुज इस माना के जुज पर दलालत न करे, तो इसको क्या कहेंगे, मुफरद माना। आसान लफ्जों में यूं कहो, जुजे लफ्ज जब जुजे माना पर दलालत न करे तो वो लफ्ज भी मुफरद और वो माना भी मुफरद, और जुजे लफ्ज जब जुजे माना पर दलालत करे तो वो लफ्ज भी मुरक्कब और वो माना भी मुरक्कब है। अब यहां तरकीब भी समझ लें भाई, तीनों की तरकीब कर लेते हैं। मुफरदुन पढ़ें तो क्या बनेगा, मुफरदन पढ़ें तो क्या बनेगा, और मुफरदीन पढ़ें भाई।
तो सबसे पहले इन्होंने पहली तरकीब तो जिक्र हो गई कि मुफरदीन पढ़ें तो यह सिफत है किसकी, माना की, माना की सिफत है। देखो अब पूरी तरकीब कैसे होगी, साहिब काफिया ने क्या फरमाया, अल कलिमतु लफ्जों वुज़िअ लिमाना मुफरदीन, अल कलिमतु मरफू लफ्जान मुबतदा, लफ्जों मरफू लफ्जान मौसूफ, मौसूफ है ये खबर ही लेकिन सारी चीजें जोड़कर फिर हम इसको खबर कहेंगे। तो लफ्जों मरफू लफ्जान मौसूफ, मरफू क्यों, क्योंकि खबर है और खबर मरफू होती है, और लफ्जन है क्योंकि इसके रफा पर हम क्या कर रहे हैं, बाकायदा तलफुज कर रहे हैं, तलफुज से ही पता चल रहा है कि हम इस पर रफा पढ़ रहे हैं। लफ्जन अगर मंसूब होता तो हम पढ़ते लफ्जन, और अगर मजरूर होता तो हम पढ़ते लफ्जन, तो यहां तलफुज से ही रफा का पता चल रहा है। तो लफ्जन मरफू लफ्जन मौसूफ, वुज़िअ फेल, मैंने आपको बतलाया था कि नकिरा के बाद फेल आ जाए तो वो अमूमन उसके लिए सिफत बनता है, तो यहां लफ्जुन नकिरा आया और उसके बाद वुज़िअ फेल आया तो ये इसके लिए क्या बनेगा, सिफत। और मैंने ये भी बतलाया था कि आंखें बंद करके मौसूफ सिफत नहीं बनाना, बल्कि तर्जमा भी करके देखें मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसे किया जाता है। मैंने तरीका बतलाया था कि मौसूफ सिफत के तर्जमा करने का तरीका यह है कि अरबी में सिफत मुअख्खर होती है और उर्दू में सिफत मुकद्दम होती है। रजुलुन शुजाउन, रजुलुन है मौसूफ और शुजाउन है सिफत, लेकिन उर्दू में तर्जमा करें तो क्या कहेंगे, बहादुर आदमी, देखो बहादुर को मुकद्दम कर दिया आदमी पर। दूसरा तरीका यह है रजुलुन शुजाउन कि आप उर्दू में भी मौसूफ को मुकद्दम रखें जैसे अरबी में मौसूफ मुकद्दम है, अलबत्ता मौसूफ से पहले नकिरा में ऐसा या ऐसी का लफ्ज ले आए। रजुलुन शुजाउन, ऐसा आदमी शुजाउन जो कि बहादुर है। तो रजुलुन शुजाउन के दो तरीके हो गए तर्जमा करने के, एक तरीका क्या कि सिफत को मुकद्दम कर दें बहादुर आदमी, और दूसरा तरीका क्या के मौसूफ से पहले क्या ले आए, ऐसा या ऐसी, ऐसा आदमी जो के बहादुर है। जबकि मारिफा में वो का लफ्ज भी साथ ले आएंगे, वो या उस या इस जैसा कोई लफ्ज जो मुतायन जात की तरफ इशारा करे। अर रजुल शुजाउ, अलिफ्लाम आ गया तो अर रजुल मारिफा है, तो अशुजाउ उसकी सिफत भी क्या लाए, मारिफा लाए। इसका तर्जमा कैसे करेंगे, वो बहादुर आदमी, देखा वही सिफत को मुकदम कर दिया, अलबत्ता चूंकि मारिफा है और मारिफा किसी मुतायन जात पे दलालत करता है तो शुरू में वो ले आए कि वो मुतायन आदमी, मालूम है किसी मुतायन आदमी की तरफ इशारा किया जा रहा है, हर बहादुर आदमी से मुराद नहीं। तो अर रजुल शुजाउ, वो बहादुर आदमी। और दूसरा तरीका क्या है, वही तरीका कि मौसूफ को मुकद्दम रखें और सिफत को मौखर रखें जैसे अरबी में है, उर्दू में भी उसी तरह करें, अलबत्ता मारिफा के अंदर मौसूफ से पहले क्या ले आए, वो या उसका लफ्ज ले आए। अर रजुल शुजाउ क्या तर्जमा होगा, वो आदमी जो के बहादुर है। नकिरा हो तो क्या तर्जमा था, ऐसा आदमी जो के बहादुर है, और मारिफा हो तो वो आदमी जो के बहादुर है। तरीका समझ में आ गया, तो जब भी नकिरा के बाद फेल आए तो आप उसको नकिरा के लिए सिफत बनाएं, लेकिन तर्जमा करके जरूर देखिए कि वो सिफत बन रहा है या नहीं। अगर सिफत बन रहा हुआ तो बेहतरीन तर्जमा हो जाएगा, और अगर सिफत नहीं बन रहा तो तर्जमा ठीक नहीं होगा, तो फिर आप उसको सिफत ना बनाएं भाई। तो क्या तरकीब हम कर रहे थे, अलकलिमतु लफ्जों वुज़िअ लिमाना मुफरदीन, अलकलिमतु मरफू लफ्जान मुब्तदा, लफ्जों मरफू लफ्जान मौसूफ, मरफू क्यों है ये खबर है, लफ्जन क्यों, क्योंकि इसके रफा पर हम तलफुज कर रहे हैं, और मौसूफ हमें कैसे पता चला मौसूफ है कि नकिरा के बाद क्या आया, फेल आया, और नकिरा के बाद फेल आया तो वह अमूमन उसके लिए सिफत बनता है। तो वुज़िअ फेल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन, इसका नाइब फाइल, क्योंकि फेले मजहूल है, फेले मारूफ के लिए फाइल चाहिए तो फेले मजहूल के लिए नाइब फाइल, तो इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन, इसका नाइब फाइल जो किसको लौट रही है, लफ्जुन को, क्योंकि सिफत को मौसूफ से जोड़ते हैं, तो यह रबत आपने बतला दिया। आगे लाम जार्रा, मानन मजरूर
मजरूर तकदीरन, क्योंकि इसमें मकसूर है भाई और इसका इराब तीनों हालतों में तकदीरन आता है, यहां तकदीरन अलिफ मौजूद है। तो मानन मजरूर तकदीरन मौसूफ। मजरूर क्यों? क्योंकि इस पर लाम जारा दाखिल है। और तकदीरन क्यों? क्योंकि इसमें मकसूर है। और मौसूफ क्यों? क्योंकि आगे इसकी सिफत आ रही है, नकिरा के बाद नकिरा आ रहा है। फिर आगे मुफरदिन मजरूर लफजान सीगा इसमें मफरूल। भाई मैंने आपको बताया था जैसे फेल के लिए फाइल या नाई फाइल जरूर चाहिए, इसी तरह सिफत के सिगे के लिए भी हमेशा फाइल या नाई फाइल जरूर चाहिए। इसमें फाइल के लिए हमेशा क्या चाहिए? फाइल। और इसमें मफूल के लिए क्या चाहिए? नाई फाइल। तो ये मुफरद मुकरम वजन है, इसमें मफूल है भाई बाबे इफाल से। अफराद युफरीदु इफरादन फहुआ मुफरिदुन, व उफरीद युफरदु इफरादन फजाका मुफरदुन। तो ये इसमें मफूल है। तो मुफरदिन मजरूर लफजान सिगा इसमें मफूल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लान इसका नाई फाइल, क्योंकि इसमें मफूल के लिए नाई फाइल चाहिए। और यह हुआ जमीर किसको लौट रही है? मानन को, क्योंकि सिफत को किससे जोड़ते हैं? मौसूफ से। तो हुआ जमीर राजे है मानन को। इसमें मफूल अपने नाई फाइल से मिलकर शिबे जुमला, फेल अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर जुमला बनता है, जबकि सिफत के सिगे अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर शिबे जुमला बनते हैं। तो इसमें मफूल अपने नाई फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर सिफत, रबत हम दे चुके हैं जुमला और शिबे जुमला को, जब भी किसी चीज से जोड़ना हो क्या जरूरी है? रबत जरूरी है। तो रबत हमने बतला दिया कि हुआ जमीर माना को राजे है। शिबे जुमला होकर यह सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर यह मजरूर लाम जार्रा के लिए, और जार मजरूर मिलकर यह मुतालिक हुए वुजिया फेल के साथ। वुजिया फेल अपने नाई फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर यह सिफत हुई किसकी? लफजुन की। मौसूफ सिफत मिलकर यह खबर हुई मुबतदा के लिए। तरकीब समझ में आ गई? अलकलिमतु लफ्जों वुज़िअलिमाना मुफरदिन, कलीमा ऐसा लफ्ज है जिसको वजा किया गया हो मुफरद माना के लिए, जिसको वजा किया गया हो मुफरद माना के लिए। यह हमने तरकीब कर ली, जबकि मुफरदिन मजरूर था, सिफत था माना की। अब दूसरी तरकीब, अगर हम इसको मुफरदुन पढ़ें, रफा पढ़ें, तो इस सूरत में याद रखो ये लफ्जुन की सिफत बनेगा। तो लफ्जुन की दो सिफतें हो जाएंगी। एक लफ्जुन की सिफत क्या आई? वुज़िअ लिमानन, लिमानन। मुफरदिन को ना जोड़ें, मुफरदिन को तो अब हमने किसकी सिफत बनाना है? लफ्ज की। अलकलिमतु लफ्जुन वुज़िअ लिमानन, यह वुज़िअ लिमानन सिफत अव्वल है किसके लिए? लफ्जुन के लिए। और आगे मुफरदुन उसकी सिफत सानी है। और लफ्जुन मरफू है, मौसूफ पर जो एराब आता है वही एराब किस पर आता है? सिफत पर। तो इस सूरत में ये जो मुफरदुन है इस पर भी कौन सा एराब आएगा? रफा आएगा। तवज्जो है। और ये जो दरमियान में आया वुज़िअ लिमानन, ये सिफत अव्वल है किसके लिए? लफ्जुन के लिए। और सिफत का वही एराब होता है जो मौसूफ का होता है। तो ये जो जुमला है वुज़िअ लिमानन, ये भी मरफू है महल्लन। ये भी क्या है? पूरा जुमला, ये सिफत है ना लफ्जुन की, और लफ्जुन मरफू है तो सिफत पर भी वही एराब आता है, तो ये पूरा जुमला भी मरफू। लेकिन इस पर रफा नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये जुमला है और जुमला मबनी होता है। तो सिर्फ वुज़िआ नहीं मरफू, वुज़िआ लिमानन, पूरा जुमला क्या है? मरफू। जैसे पहली तरकीब में मुफरदीन को किसकी सिफत बनाया था? माना की। तो वुज़िअ लिमानन मुफरदिन, ये सारा मिलकर सिफत था किसकी? लफ्जुन की। तो ये सारा जुमला मरफू है, लफ्जुन भी मरफू, लफ्जुन मरफू है लफ्जन, और वुज़िअ लिमानन मुफरदिन, इस सारे को जब हमने सिफत बनाया किसके लिए? लफ्जुन के लिए। तो ये भी मरफू है, लेकिन ये मरफू है महल। ये जुमला जो है ये मबनी होता है। जुमले के अंदर चाहे 20 मुअरब आ जाएं, लेकिन पूरा जुमला जब बन गया, मिल गया, तो अब ये क्या है? मबनी है। और मबनी पर एराब कैसे बतलाते हैं? महलन बतलाते हैं। महल यानी जगह के एतबार से ये मरफू है। अगर मुअरब यहां आता तो एराब जाहिर हो जाता। तो ये जुमला क्या है? मबनी है। हत्ता के बाज उलमा ने तो इसको मबनीउल असल करार दिया है। आपने पढ़ा है मबनीउल असल तीन चीजें हैं, फेले माजी, फेले अमर और तमाम हुरूफ।
इसम एक भी नहीं है मबनी उल असल, फेले माजी है, फेले अमर है और तमाम हुरूफ ये हैं मबनी उल असल। हां, इनके साथ जो इसम मुशाबे हो जाता है वो भी मबनी बन जाता है। तो इसम की जो आठ किस्में हैं मबनियात, कितनी किस्में हैं, कितने हैं मबनियात हैं तरकीब में, मैं बता चुका हूं, आठ मबनियात हैं। कौन कौन से? तमाम जमीरें, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, अस्माए अस्वात हैं, कुछ जुरूफ हैं, अस्माए अफाल हैं, किनायात हैं और मुरक्कब बिनाई। ये आठ जो हैं ये मबनियात हैं और ये इनमें से एक भी मबनी उल असल नहीं। ये क्यों मबनी है? भाई दर असल इनकी मबनी उल असल के साथ मुशाबहत है, इस मुशाबहत की वजह से ये क्या कहलाते हैं? मबनी कहलाते हैं। तो जुमला मबनी है और बाजों ने तो इसको मबनी उल असल करार दिया है। हम दूसरी तरकीब कर रहे थे, अलकलिमतु लफ्जों वुजिया लिमाना मुफरदुन मुफरदुन। तो कैसे तरकीब होगी? अलकलिमतु मरफू लफ्जान मुब्तदा, लफ्जुन मरफू लफ्जान मौसूफ, फिर बाद में ये खबर बनेगा। ये खबर ही है, रफा इसलिए आ रहा है, लेकिन हमारे यहां तरकीब राइज इसी तरह है कि सारी चीजों को जोड़ने के बाद फिर आखिर में बतलाते हैं कि ये क्या बन रहा है। तो लफ्जुन मरफू लफ्जान मौसूफ वुज़िया फेल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन, इसका नाइब फाइल जो किसको राजे? लफ्जुन को राजे है। और लाम जारा और मानन मजरूर तकदीरन। अब मुफरदिन को नहीं जोड़ना क्योंकि अब वो माना की सिफत नहीं है बल्कि वो लफ्ज की सिफत हम बनाएंगे। तो लाम जारा मानन मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक किस से? वुज़िया फेल से। वुज़िया फेल अपने नाइब फाइल और मुतालिक से मिलकर ये जुमला फेलिया होकर सिफत अव्वल हुई, किसके लिए? लफ्जुन के लिए। और आगे आया मुफरदुन, मुफरदुन मरफू लफ्जान सीगा इसमें मफूल, ये मरफू क्यों? क्योंकि ये सिफत है लफ्जुन की और मौसूफ सिफत पर एराब एक ही आता है। तो मुफरदुन मरफू लफ्जन सीगा इसमें मफूल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन, इसका नाइब फाइल जो किसको लौट रही है? अब ये लफ्जुन को लौटेगी कि वो मुफरद कौन हो? वो लफ्ज हो, तो वो लफ्ज हो। तो इसमें मफूल अपने नाइब फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर यह सिफत सानी हुई, किसके लिए? लफ्जुन के लिए। लफ्ज अपनी दोनों सिफतों से मिलकर यह खबर हुई मुब्तदा के लिए, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तरीका समझ में आया? अब देखो ये जो लफ्ज की दो सिफतें आई, वुज़िया लिमानन ये मरफू है महल्लन क्योंकि सिफत है, और मुफरदुन क्या है? मरफू है लफ्जन क्योंकि मौसूफ मरफू है। भाई तर्जमा कैसे करेंगे? दो सिफतें आ गई लफ्जुन की, एक क्या है? वुज़िया लिमानन और एक क्या आ गई? मुफरदुन। और उर्दू में मैंने बतलाया मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, सिफत को मौसूफ पर मुकदम कर देते हैं एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि मौसूफ को मुकदम ही रखते हैं और उससे पहले क्या ले आते हैं? ऐसा या ऐसी। तो यहां अब दो सिफतें आ गई, अब हम दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों तरीकों को मिला लेते हैं। पहली सिफत है वुज़िया लिमानन, ये जरा लंबी सिफत है, इसको हम इसी तरह रखते हैं यानी मौसूफ के बाद ही लाएंगे। लेकिन दूसरी सिफत आई मुफरदुन और वो मुख्तसर है, उसको हम लफ्ज़ पर क्या कर देंगे? मुकदम कर देंगे, मुकदम कर देंगे। मुफरद लफ्ज इबारत में क्या था? लफ्ज़ुन मुफरदुन, मुफरदुन बाद में आ रहा था और हमने क्या कर दिया? मुफरद को मुकदम कर दिया, मुफरद लफ्ज। और दूसरी सिफत जो है वुज़िया लिमानन, उसको मुअख्खर ही रखें और उसके लिए फिर मुफरद लफ्ज से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज ले आए। तो अलकलिमतु, कलिमा जो है ऐसा मुफरद लफ्ज है वुज़िया लिमानन जिसको माना के लिए वजा किया गया हो। तरीका समझ में आ गया? तो ये दूसरी तरकीब थी भाई, मुफरदुन को मरफू पढ़ा हमने। तीसरी तरकीब ये है कि मुफरदन को यहां मंसूब पढ़ा जाए। भाई मंसूब इस सूरत में याद रखो ये हाल बनेगा, और आपने पढ़ा है कि हाल मंसूबात में से है, उस पर नसब पढ़ा जाता है। अब ये हाल किससे बनेगा? तो इसमें दो एहतमाल हैं, या तो ये वुज़िया के अंदर जो हुआ जमीर है नाइब फाइल, ये उससे हाल बनेगा। वुज़िया हुआ, हुआ जमीर किसको राजे थी? लफ्ज को, वजा किया गया हो उस लफ्ज को, हुआ जमीर
किसको राजे लफ्ज को, तो हुआ की जगह लफ्ज ले आए, वजा किया गया हो उस लफ्ज को मुफरदन इस हाल में कि वो क्या हो मुफरद हो, तो ये मुफरदन को हाल बनाया किससे, वुजिया के अंदर जो हुआ जमीर है नाइफाइल। दूसरा इहतेमाल ये कि इस मुफरदन को हाल बनाए मानन से, हाल बनाए किससे, मानन लाम जारा मानन। अच्छा पूरी तरकीब कर लेते हैं, देखिए भाई मुफरदन को अब हम उस पर नसब पढ़ेंगे, अलकलिमतु मरफू लफजान मुब्तदा, लफजुन मरफू लफजान मौसूफ, वुजिया फेल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लान जुलहाल, इससे आगे मुफरदन हम हाल बनाएंगे, तो हुआ जमीर मरफू महल्लान जुलहाल, फिर जुलहाल अपने हाल से मिलकर नाइफाइल बन जाएगा, बात समझ में आ गई है, नाइफाइल ही ये ताबीर इस तरह करते हैं हमारे यहां तरकीब में। तो हुआ जमीर मरफू महल्लान जुलहाल है, और मरफू क्यों है, क्योंकि नाइबुल फाइल है। उसके बाद आगे जरा मुफरदन पर आ जाएं, मुफरदन मंसूब लफजान सीगा इसमें मफरूल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लान इसका नाई फाइल जो किसको लौट रही है, हां किसको लौट रही है, इस मुफरदन को आप किससे जोड़ रहे हैं, जुलहाल से, तो इसमें जमीर लौट रही है जुलहाल को, और जुलहाल कौन सी जमीर थी, वो जो वुजिया के अंदर हुआ जमीर थी। तो अब यूं ना कहें कि मुफरदन के अंदर हुआ जमीर है और वो लौट रही है हुआ जमीर को, बात तो आपकी ठीक है लेकिन ताबीर अच्छी नहीं है, इसको अच्छे अंदाज में ताबीर करें, यूं कहें कि मुफरदन के अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन नाइफाइल और ये जमीर लौट रही है जुलहाल को, ये जमीर लौट रही है जुल, यूं ना कहें ये जमीर लौट रही है हुआ को, बात तो आपकी ठीक है लेकिन पसंदीदा नहीं, तो हुआ जमीर लौट रही है जुलहाल को, तो इसमें मफूल अपने नाई फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर हाल, शिबे जुमला होकर हाल, और फिर वुजिया के अंदर हुआ जमीर जो जुलहाल थी वो अपने हाल से मिलकर ये नाइबुल फाइल हुआ किसके लिए, वुजिया के लिए, और ये किसको लौट रही है लफजुन को। फिर आगे लिमानन लाम जारा मानन मजरूर तकदीरन, जार मजरूर मिलकर किससे मुतालिक, वुजिया से मुतालिक हो गए, तो वुजिया फेल अपने नाइबुल फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिफत हुई लफ्जुन के लिए, तवज्जो है, तो वुजिया को जो नाई फाइल हुआ था उसको हमने जुलहाल बनाया और मुफरदन को उससे हाल बनाया, तरकीब समझ में आ गई, माना वही होगा, वुजिया की हुआ जमीर किसको राजे थी लफ्ज को, और आगे मुफरदन हाल भी किससे आया, इसी हुआ जमीर से, तो हुआ जमीर से मुराद है लफ्ज, मालूम हुआ वुजिया हुआ, वजा किया गया हो उसको, तर्जमे पे नजर है वुजिया हुआ, वजा किया गया हो उसको, किसको वजा किया गया हो लफ्ज को, यह जमीर लफ्ज को राजे, वजा किया गया हो उस लफ्ज को मुफरदन इस हाल में कि वह लफ्ज क्या हो मुफरद हो, तो अलकलिमतु लफ्जों वुज़िया लिमाना मुफरदन, कलिमा वो लफ्ज है जिसको वजा किया गया हो माना के लिए इस हाल में कि वो लफ्ज क्या हो मुफरद हो, तरीका समझ में आया, फिर सुनो, कलिमा ऐसा लफ्ज है जिसको वजा किया गया हो एक माना के लिए इस हाल में कि वो लफ्ज क्या हो मुफरद हो। दूसरा इहतेमाल कि आप इसको हाल बनाएं माना से, किसे बनाएं माना से हाल बनाएं, तरकीब सुनो, अलकलिमतु मरफू लफजान मुब्तदा, लफजुन मरफू लफजान मौसूफ, वुजिया फेल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका नाई फाइल जो किसको राजे लफजुन को, आगे लाम जारा मानन मजरूर तकदीरन जुलहाल, जुलहाल आगे मुफरदन मंसूब लफजन सीगा इसमें मफूल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका नाई फाइल जो किसको राजे मानन को, मानन को, क्योंकि आप मानन से इसको हाल बना रहे हैं ना, और हाल को किससे जोड़ते हैं जुलहाल से,
तो मुफरदान के अंदर हुआ जमीर जो राजे है अब मानन को। अच्छा, इसमें मफूल अपने नाइबुल फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर यह हाल हुआ मानन के लिए। मानन जुल हाल अपने हाल से मिलकर मजरूर हुआ किसके लिए? लाम जार्रा के लिए। जार मजरूर मिलकर मुतालिक किस से? वुजिया फेल से। वुजिया फेल अपने नाई फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिफत हुई लफ्जुन के लिए। मौसूफ सिफत मिलकर यह खबर मुब्तदा के लिए। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अल कलिमतु लफ्जुन वुजिया लिमाना मुफरदन। कलिमा ऐसा लफ्ज है जिसको वजा किया गया हो एक माना के लिए, इस हाल में कि वह माना क्या हो? मुफरद हो। तर्जमा समझ में आया? तो हाल भी जो है दरअसल सिफत होता है एक चीज की। हाल भी क्या होता है? एक चीज की सिफत होता है। लिहाजा वही तर्जमा आप कर लें तो भी ठीक है। तो मुफरदिन को चाहे सिफत बनाए माना के लिए, चाहे मुफरदन को हाल बनाए किसके लिए? माना के लिए। दोनों सूरतों में एक ही तर्जमा होगा। और फिर दूसरी सूरत क्या थी कि मुफरदन को आप लफ्ज के लिए सिफत बनाए, या आप मुफरदन को वुजिया की हुआ जमीर से क्या बनाए? हाल बनाए। दोनों सूरतों में एक ही तर्जमा होगा, क्योंकि हुआ जमीर भी किसको राजे है? लफ्ज को राजे है। तवज्जो है? तो दोनों सूरतों में आप एक ही तर्जमा भी कर सकते हैं। मसलन अलकलिमतु लफ्जुन वुजिया लिमानन मुफरदन, या अलकलिमतु लफ्जुन वुजिया लिमानन मुफरदन। यह हाल बनाया मैंने वुजिया की जमीर से जो कि लफ्ज को राजे। तो दोनों सूरतों में एक ही तर्जमा कर लें कि कलिमा ऐसा मुफरद लफ्ज है जिसको वजा किया गया हो किसी माना के लिए। एक ही तर्जमा दोनों में। और दूसरी सूरत क्या थी? दूसरी तरकीब अलकलिमतु लफ्जुन वुजिया लिमानन मुफरदिन या लिमानन मुफरदन, इसी माना से हाल बना लो। इन दोनों सूरतों में एक ही तर्जमा ठीक रहेगा। क्या? कलिमा ऐसा लफ्ज है जिसको वजा किया गया हो मुफरद माना के लिए। बात समझ में आ गई? तीनों तरकीबें अच्छी तरह समझ में आ गई। मुफरदन पर रफा पड़ेंगे किस वजह से? कि यह सिफत है लफ्जुन की। मुफरदिन पर जर पड़ेंगे क्योंकि यह सिफत है किसकी? मानन की। और मुफरदन पर नसब पड़ेंगे किस वजह से? कि यह हाल है। और हाल में फिर कितने एहतमाल, कितनी चीजों से हाल हो सकता है? दो से, या तो वुजा की हुआ जमीर से या मानन से हाल हो सकता है। अब देखिए किताब पर भाई, कहते हैं वफी अन्नहु यूहिमु अन्न लफ्ज मौजू उन लिल मानल मुत्तसिफ बिल इफ़्राद व तरकीब क़ब्ल अल वज़्अ व लैसल अम्रु कज़ालिक। यहां से एक शुबा जिक्र करेंगे और आगे फिर जवाब देकर उस शुबे को और उस वहम को दूर करेंगे। भाई देखो, पहली तरकीब क्या की इन्होंने कि मुफरद को किसकी सिफत बनाया जाए? माना की सिफत बनाया जाए। और मानन मजरूर है क्योंकि उस पर लाम जार्रा दाखिल है, तो मुफरदिन भी क्या होगा? मजरूर। तो अब तर्जमा क्या हुआ? कलीमा ऐसा लफ्ज है जिसको वजा किया जाए लिमानम मुफरदिन, किसके लिए? मुफरद माना के लिए। तवज्जो है? तो मुफरद सिफत है किसकी? माना की। तवज्जो से अब सुनो भाई, भाई याद रखो, ये जो सिफत होती है ये कैद होती है मौसूफ के लिए। मैंने कहा जा अनी रजुलुन आलिमुन, मेरे पास एक आलिम आदमी आया। रजुलुन मौसूफ और आलिमुन उसके सिफत। तो मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे पास कोई आम आदमी आया है या आलिम आदमी आया है? आलिम आदमी आया है, यानी गैर आलिम नहीं आया। तो ये रजुलुन मौसूफ है और आलिमुन उसकी सिफत। और ये जो सिफत होती है यह मौसूफ के लिए कैद होती है। मालूम हुआ आने वाला आदमी वो आलिम है, गैर आलिम नहीं है। इसी तरह मसलन मैं कहता हूं मररतु बिज़ैदिन अलआलिमी, ज़ैदिन मजरूर है मौसूफ और अलआलिम उसकी सिफत। मैं गुजरा उस ज़ैद पर जो आलिम है। तो मेरा गुजरना किसी आम ज़ैद पर है या वो ज़ैद जो आलिम है? वो जैद जो आलिम है उस पर मेरा गुजर हुआ है, उसके पास से मैं गुजरा हूं। तो ये जो सिफत होती है ये मौसूफ के लिए
कैद होती है। तवज्जो है, यहां तक बात समझ में आ गई। या दूसरी मिसाल ले लें, ला आकुलु खुबजन बारिदन, मैं नहीं खाऊंगा खुबजन रोटी बारिदन ठंडी। ला आकुलु खुबजन बारिदन, मैं ठंडी रोटी नहीं खाऊंगा। क्या माना, मैंने मुतलक रोटी खाने की नफी की है या ठंडी रोटी खाने की नफी की है? ठंडी रोटी खाने की नफी की है। मुतलक मालूम हो अगर गर्म रोटी है तो मैं उसको खा लूंगा। तो ये जो सिफत होती है ये मौसूफ के लिए कैद होती है। याद रखो, जब एक इसम उसकी सिफत आगे आ जाए यानी वो मुकय्यद हो जाए सिफत के साथ, अब इसके साथ जब फेल या शिबे फेल का ताल्लुक आए, यूं कहे फेल या शिबे फेल की इस इसम की तरफ निस्बत की जाए, कौन सा इसम जो मौसूफ है जिसकी आगे क्या आ रही है सिफत, तो जब फेल या शिबे फेल की निस्बत की जाए ऐसे इसम की तरफ जो मुकय्यद हो किसी सिफत के साथ यानी मुत्तसिफ हो किसी सिफत के साथ, तो याद रखो उस इसम का सिफत से मुत्तसिफ होना पहले होता है और फेल की इसकी तरफ जो निस्बत होती है वो मुअख्खर होती है। वो तवज्जो है, फिर सुने, जब एक इसम मुत्तसिफ हो रहा है सिफत के साथ यानी उसकी सिफत आगे आ रही है वो मुकय्यद है, अब इस इसम की तरफ जो मुकय्यद है सिफत के साथ इसकी तरफ जब आप फेल या शिबे फेल की निस्बत करते हैं तो उस इसम का सिफत से मुत्तसिफ होना पहले होता है और फेल के साथ इसका ताल्लुक और निस्बत मुअख्खर होती है। मसलन मैंने कहा जाअनी रजुलुन आलिमुन, मेरे पास एक आलिम आदमी आया, तो ये रजुलुन फाइल है किसके लिए, जाआ के लिए, और मुझे बताइए मुतलक रजुलुन फाइल है या रजुलुन आलिमुन फाइल है? रजुलुन आलिमुन, क्योंकि रजुल मौसूफ है, आलिमुन उसकी सिफत और ये उसके लिए कैद है, तो आने वाला मालूम हुआ रजुल आलिम है, आम रजुल नहीं है। तो रजुल की सिफत है आलिम और इसकी तरफ मैंने निस्बत कर दी किसकी, आने की, जा आनी आने की, तो ये जो फेल की निस्बत हो रही है मुकय्यद की तरफ यानी वो इसम जो मुत्तसिफ हो रहा है सिफत के साथ, तो उसका सिफत से मुत्तसिफ होना पहले है और फेल की निस्बत उसके बाद है। जानी रजुलुन आलिमुन, मेरे पास आलिम आदमी आया, मुझे बताओ आना पहले है या रजुल का आलिम होना पहले है? रजुल का आलिम होना पहले है, मालूम हो पहले से आलिम है जो वो मेरे पास आया, तो देखा रजुल के लिए आलिम सिफत थी तो वो सिफत मुकद्दम है और फेल की जो इसकी तरफ निस्बत हुई वो मुअख्खर है। मालूम हुआ रजुल आलिम मेरे पास आया है यानी जो पहले से ही इलम के साथ मौसूफ है वो मेरे पास आया, तो वो पहले से इलम के साथ मौसूफ था और आना बाद में हुआ। या मैं कहता हूं मरार तू बी जैदीन इल आलिमी, मैं उस जैद के पास से गुजरा जो आलिम है, तो मेरा गुजरना मुतलक जैद पर है या जैद आलिम पर है? जैद आलिम पर है, मालूम हुआ वो आलिम पहले से है और मेरा गुजरना बाद में है, सिफत उसके लिए पहले से साबित है और फेल का ताल्लुक गुजरना बाद में है। यहां तक बात समझ में आ गई। हासिल कलाम क्या हुआ कि जब फेल या शिबे फेल की निस्बत की जाए एक ऐसे इसम की तरफ जो सिफत के साथ मुत्तसिफ हो रहा हो तो उस इसम का सिफत से मुत्तसिफ होना पहले होता है और फिर फेल के साथ उसकी निस्बत बाद में होती है फेल की तरफ निस्बत। लिहाजा यहां पर भी इश्काल होता है, अल कलिमतु लफ्जों वज़िअ लिमाना मुफ्रदिन, ये मुफ्रदिन किसकी सिफत है, माना की, मालूम हुआ माना हुआ मौसूफ और मुफरदिन हुई उसकी सिफत, तो ये मुफरद माना के लिए क्या बन गई, कैद बन गई, तो ये कलिमा वो लफ्ज है जिसको वजा किया जाए लिमाना मुफरदिन, किस माना के लिए, मुफरद माना के लिए, तो फेल वो है जिसको वजा किया जाए मुतलक माना के लिए या मुफरद माना के लिए, मुफरद माना के लिए, तो देखो वुजिया की निस्बत हो रही है लिमाना मुफरदिन की तरफ लाम हरफे जर के वास्ते से, तो वुजिया फेल की निस्बत हो रही है माना मुफरत की तरफ और वो माना पहले से ही मौसूफ है किसके साथ, मुफरत के साथ, मालूम हुआ माना का मुफरत होना पहले है और उसके बाद इसकी इसके लिए वजह होगी, बाद में इसके लिए किसी लफ्ज को।
एतराज समझ में आया कि जब कोई इसम मुत्तसिफ होता है किसी सिफत के साथ और उसकी तरफ फेल या शिबे फेल की निस्बत की जाए तो उस इसम का उस सिफत से इत्तेसाफ मुकदम होता है और फेल की तरफ जो उसकी निस्बत होती है वो मुअख्खर होती है। तो यहां पर भी माना की सिफत क्या आई, मुफरद। मालूम हुआ माना का मुफरद होना पहले है और फिर बाद में वजह की तरफ इसकी निस्बत हुई, तो वजह इसकी वजह बाद में है, गोया मुफरद होना वजह पर मुकदम हो गया। माना पहले मुफरद हुआ फिर उसके लिए कोई लफ्ज को क्या किया गया, वजह। इश्काल समझ में आया? तो इश्काल यह हुआ इस सूरत में कि मुफरद होना मुकदम हो गया, माना का मुफरद होना मुकदम हो गया और उसके लिए लफ्ज की वजह मुअख्खर हो गई, हालांकि यह दुरुस्त नहीं है। माना का इफराद और तरकीब से मुत्तसिफ होना वजह के बाद होगा, वजह से पहले नहीं होगा। माना मुफरद किसे कहते हैं कि उसके लिए जो लफ्ज वजह किया गया है तो जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत न करे तो वो लफ्ज भी मुफरत और वो माना भी मुफरत। तवज्जो है? तो याद रखो ये माना का मुफरत या मुरक्कब होना ये वजह के बाद होगा, वजह से पहले नहीं होगा। वजह से पहले किस तरह, देखो तारीफ पे गौर कर लो। माना मुफरत किसे कहते हैं कि इसके लिए जो लफ्ज वजह किया गया हो उस लफ्ज का जुज इस माना के जुज पर दलालत न करे तो यह माना क्या है, मुफरद है। वो लफ्ज भी मुफरद और यह माना भी। मैंने अभी आपको समझाया मुफरद लफ्ज किसे कहेंगे और मुफरद लफ्ज और मुफरद माना किसे कहते हैं। जुजे लफ्ज अगर जुजे माना पर दलालत न करे तो लफ्ज भी मुफरद माना भी मुफरद, और जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत करे तो लफ्ज भी मुरक्कब और माना भी मुरक्कब है। तो जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत करे तो मुरक्कब, न करे तो मालूम हुआ दलालत जरूरी है। दलालत होगी तो फिर ही हम कहेंगे यह मुफरद है या मुफरद नहीं। और लफ्ज की माना पर दलालत कब होती है, जब वजह कर लिया जाए। एक लफ्ज को एक माना के लिए वजह करेंगे तो वो उस पर दलालत करेगा, वजह नहीं होगी तो दलालत कहां से होगी। क्यों? तो मालूम हुआ माना का मुफरद या मुरक्कब होना यह दलालत के बाद होगा और दलालत वजह के बाद होगी। तो मालूम हुआ पहले वजह चाहिए, फिर वजह होगी तो दलालत होगी, और जब दलालत होगी तो फिर हुक्म लगाएंगे कि यह माना क्या है, मुफरद है या मुरक्कब है। इश्काल समझ में आया? मालूम हुआ वजह मुकद्दम और इफराद और तरकीब। इफराद का माना अफराद युफरिद, इफराद का माना मुफरद होना, तरकीब का माना मुरक्कब होना। तो मालूम हुआ वजह मुकद्दम है और इफराद और तरकीब मुअख्खर। माना और लफ्ज इनमें वजह मुकद्दम होती है और इनका मुफरद या मुरक्कब होना बाद में होता है। लेकिन इश्काल क्या हुआ था, इश्काल यह हुआ था कि जब एक इसम एक सिफत के साथ मुत्तसिफ हो रहा हो और उसकी तरफ फेल की निस्बत की जाए तो उसका इत्तेसाफ उस सिफत से पहले होता है और फेल की तरफ निस्बत मुअख्खर। तो यहां भी वुज़िया लिमाना मुफ़रदिन, माना की सिफत क्या आ गई, मुफ़रद। तो माना का इफ़राद के साथ मुत्तसिफ होना पहले है और वजा बाद में है, यह इश्काल होता है। तो आपको बतलाएंगे, जवाब देंगे इसका कि भाई यहां मजाज मानना पड़ेगा, मजाज तस्लीम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? देखिए मैं आगे जवाब जिक्र करता हूं, पहले शुबा देख लें। कहते हैं वफी ही अन्नहु यूहिमु, और इसमें यह है कि यह बात वहम डालती है। कौन सी बात, ये जो मुफरद को माना की सिफत बनाया जाए ये वहम डालती है कि शायद इफराद और तरकीब पहले होती है और वजा बाद में। वो कहते हैं वफी ही अन्नहु यूहिमु, और इसमें यह है कि यह बात ये वहम डालती है यह बात कि अन्न लफ्ज मौजून लिल मानल मुत्तसिफ बिल इफराद व तरकीबी कबल अल वज़ई, कि लफ्ज जो है इसको वजा किया जाए ऐसे माना के लिए जो मुत्तसिफ हो रहा है इफराद और तरकीब से कबल अल वज़ई, वजा से पहले ही मुत्तसिफ हो रहा है। वलैसल अमरु कज़ालिक, हालांकि मामला ऐसा नहीं है। फइन इत्तिसाफल माना बिल इफराद व तरकीब इन्नमा हुआ बादल वज़ई, इसलिए क्योंकि माना का इफराद और तरकीब के साथ मुत्तसिफ होना यह वजा के बाद ही होगा। फयम बगी अयूर तक बफी ही तजवुजुन, तो मुनासिब यह है कि इसके अंदर मजाज का इर्तिकाब किया जाए, यानी यहां मजाज को मान लिया जाए कि यहां क्या है,
मजाज। फयम बगी अयूर तकाबफी ही तजावुजुन, तो मुनासिब यह है कि इसके अंदर मजाज का इरतिकाब कर लिया जाए, यानी मजाज को मान लिया जाए। कमा यूर तकबुफी मिसली, जैसे कि मजाज का इरतिकाब किया गया है इस जैसी मिसाल में, मन कतल कतीलन फलहू सलबुहू। यह हदीस है भाई, मन कतल कतीलन फलहू सलबुहू, कतील बमाने मकतूल के है भाई, यानी फाइल बमाने मफूल के, और सलब लाम के फतहा के साथ, सलब कहते हैं छीनी हुई चीज, लूटा हुआ माल, उसको क्या कहते हैं, सलब कहते हैं। यह हदीस में आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक गजवा के मौके पर, गालिबन गजवा बदर के मौके पर, जबकि सहाबा बे इंतहा बे सरो सामानी की कैफियत में थे और सामने कुफार का लश्कर बड़ा ताकतवर असलहे से लेस, मुसलमानों के पास चंद तलवारें वो भी कुछ टूटी हुई और चंद एक नेजे थे, बाकी सबके पास तलवारें भी नहीं थी, नेजे भी नहीं थे लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ कुफार वो सारे, उन्होंने वो पूरा फौजी लिबास पहना हुआ, लोहे के खूद पहने हुए और लोहे की जीरा पहनी हुई, पूरे लोहे के अंदर छुपे हुए थे, जिनको देखकर इंसान पर खौफ तारी हो जाए। लेकिन ये सहाबा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने और हुजूर के शागिर्द, और ये जो हुजूर के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले, अपना माल अपने भाई बहनों और अपने पूरे घर को कुर्बान करने वाले, वो इस लश्कर से टकरा गए और उनको वो शिकस्त दी कि इंसान सुनता है तो हैरान रह जाता है कि ये लोग भाई जो पत्थर मार रहे हैं, लड़ाई किससे कर रहे हैं, तलवारें तो सबके पास हैं ही नहीं, नेजे तो हैं ही नहीं, पत्थर या कोई लाठी वगैरह उसके जरिए लड़ रहे हैं, और उनके 70 कुफार को मार दिया, कत्ल कर दिया, जहन्नम रसीद कर दिया, और 70 को ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुसलमानों में से सिर्फ 14 सहाबा शहीद हुए भाई, 14 सहाबा। तो ये गालिबन उस गजवा बदर के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जंग पर उभारने के लिए और उनको तरगीब देने के लिए फरमाया, मन कतल कतीलन फलहू सलबुहू, तो कतील बमाने मकतूल के है, जिसने किसी मकतूल को कत्ल किया, फलहू सलबुहू, तो उस मकतूल से लूटा हुआ माल उसी कत्ल करने वाले के लिए है, जो उसको कत्ल करेगा उससे लूटा हुआ माल उसी का है, जो जंगी लिबास वगैरह या जो कुछ उसने पहना हुआ है, जो कुछ उसके पास है, वो सारा उसका है भाई। तो मन कतल कतीलन फलहू सलबुहू, जिसने किसी मकतूल को कत्ल किया तो उस कत्ल करने वाले के लिए उस मकतूल से छीना हुआ माल है। अब देखो यहां पर, मन कतल कतीलन, जिसने मकतूल को कत्ल किया, भाई मकतूल तो उसको कहते हैं जिसको कत्ल कर दिया जाए, और जो एक दफा कत्ल हो गया वो तो दोबारा कत्ल नहीं हो सकता, तो यहां पर मजाज है भाई, यानी वो लोग जो कत्ल के करीब थे तो उनको अभी से मकतूल कह दिया, कि उनका कत्ल होना करीब था तो उसको अभी से क्या कह दिया, मकतूल कह। मन कतल कतीलन, जिसने मकतूल को कत्ल किया, भाई अभी तो वो मकतूल नहीं, अभी तो वो जिंदा है, लेकिन उनको अभी से क्या कह दिया, मकतूल कह दिया, बाई लिहाज के इनका कत्ल होना करीब है, इसको कहते हैं मजाज बिल मुशारफा। क्या कहते हैं, मजाज बिल मुशारफा, यानी शारफा युशारिफ, मुशारफा का माना करीब होना, एक चीज दूसरी के करीब हो, उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, शारफा, शारफा। तो मजाज बिल मुशारफा, यानी एक चीज जो एक सिफत के साथ मुत्तसिफ होने वाली है, एक हालत के साथ मुत्तसिफ होने वाली है, उसको पहले से ही उसके साथ मुत्तसिफ कर दिया जाए, तो चूंकि उनका कत्ल करीब था इसलिए उनको पहले से ही क्या कह दिया, मकतूल कह दिया। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं जिस तरह इस हदीस के अंदर मजाज का इरतिकाब किया गया है, मजाज बिल मुशारफा का, इसी तरह इस यहां पर कलीमा की तारीफ में भी कर लिया जाए मजाज का इरतिकाब। किस तरह, कि कलीमा ऐसा लफ्ज है जिसको वजा किया गया हो मानए मुफरद के लिए, भाई मानए मुफरद तो वजा के बाद होगा, लेकिन चूंकि उसका मुफरद होना करीब है, मुफरद या मुरकब होना करीब है, तो उसको अभी से ही मुफरद कह दिया भाई, क्योंकि जब वजा आएगी तो वजा के साथ ही या वो मुफरद माना होगा या मुरकब होगा, वो मुतसिफ हो जाएगा। जब जुजे लफ जुजे माना पर दलालत करेगा तो हम उसको मुरकब कहेंगे, और जुजे लफ जुजे माना पर दलालत ना करे तो उसे हम क्या कहेंगे, मुफरद कहेंगे। तो माना वजा के बाद इफराद से मुतसिफ होगा, लेकिन उसका चूंकि इफराद से मुत्तसिफ होना करीब है, करीब है, तो उसको पहले से ही क्या कह दिया,
मुफरद कह दिया गया, जैसे जिंदा को कत्ल के करीब होने की वजह से मकतूल कह दिया गया, इसी तरह यहां भी है कि माना इफराद से मुत्तसिफ होने ही वाला है, करीब ही है, इसलिए अभी से उसको क्या कह दिया, मानाए मुफरद। अगरचे मानाए मुफरद ये हकीकत में तो ये जब वजा हो जाएगी फिर ये मानाए मुफरद कहलाएगा, उससे पहले मानाए मुफरद नहीं कहलाएगा। तकरीर समझ में आ गई, तो इसको कहते हैं मजाज बिल मुशारफा, मजाज बिल मुशारफा, यानी वो मजाज जो करीब है यानी होने वाला है, तो अभी से मजाजन उसको कह दिया, एक सिफत के साथ मुत्तसिफ कर दिया। या इसको कहते हैं बैतबार मा या उलू इलेही के, आला या उलू के माने लौटना, एक हालत की तरफ लौटना, तो चूंकि वो कत्ल के तरफ लौटने वाले थे, करीब थे, इसलिए उनको क्या कह दिया, मकतूल कह दिया गया। और इसी तरह यह माना चूंकि करीब है कि यह लौटे किस बात की तरफ, इफराद और इफराद की तरफ, इसलिए इसको अभी से क्या कह दिया गया, मुफरद कह दिया गया। तो इसको किस तरह ताबीर करते हैं, इसको कैसे ताबीर करेंगे, आप क्या कहेंगे, मन कतल कतीलन फलहू सलबहू, इसमें कतील के अंदर क्या है, मजाज बिल मुशारफा है। या यूं ताबीर करेंगे कि उनको कतील कहा गया बाएतबारे मा यऊलू इलैही के, मा यऊलू इलैही, जिस हालत की तरफ वो लौटने वाले हैं उसके एतबार से अभी से उनको कतील कह दिया गया भाई। तो ये इसी तरह किताबों में जगह जगह असातिजा जिक्र करेंगे, भाई आपने इसको याद रखना है, असातिजा आपको कहेंगे ये बाएतबारे मा यऊलू के इसको ये कह दिया गया, यानी जो अभी होने वाला है करीब है उस जिस हालत की तरफ लौटने वाला है, तो अभी से इसको मुत्तसिफ कर दिया गया। तो कहते हैं फयम बगी अयूर तक अब फी ही तजवुजुन कमा यूर तक अब फी मिसली मन कतल कतीलन फलहू सलबुहू। तो मुनासिब यह है कि इस माने मुफरत के अंदर भी मजाज का इर्तिकाब किया जाए, मजाज को इसके अंदर मान लिया जाए, कमायूर तक अबूफी मिस्री, जैसे कि मजाज का इर्तिकाब किया गया है इस जैसी मिसालों में, मन कतल कतीलन फलहू सलबुहू, जिसने किसी मकतूल को कत्ल किया तो उस कत्ल करने वाले के लिए उस मकतूल से लूटा हुआ माल है, अव मरफून अला अन्नहू सिफतुन लिलफ्जिन। दूसरी तरकीब आ गई, पहली तरकीब क्या थी, मुफरदिन पड़ा मजरूर, क्योंकि यह सिफत थी किसकी, माना की, अब दूसरी तरकीब मुफरदुन पढ़ें, ये सिफत है लफ्ज की, कहते हैं औ मरफून, या ये मुफरदुन का लफ्ज मरफू है अला अन्नहु सिफतुन लिलफ्जिन, बिनाबर इसके कि ये सिफत है लफ्ज की, और मौसूफ मरफू तो सिफत भी मरफू, तो लफ्जुन मरफू तो मुफरदुन भी मरफू, व माना हु हीन इज़िन। अच्छा भाई, पहले मुफरद को किसकी सिफत बनाया था, माना की, और मुफरद माना किसे कहते थे, मैंने आपको बतलाया वो माना कि इसके लिए जो लफ्ज वजा किया गया है उस लफ्ज का जुज इस माना के जुज पर दलालत न करे। अब मुफरद उनको किसकी सिफत बनाया, लफ्ज उनकी, तो मुफरद लफ्ज किसे कहेंगे, वो लफ्ज जिसका जुज माना के जुज पर दलालत न करे, वही बयान कर रहे हैं, वह माना हो हीन इज़िन, और मुफरद लफ्ज का माना उस वक्त यह होगा, मा ला यदुल्लु जुज़ुहू अला जुज़ माना हो, मा वो लफ्ज ला यदुल्लु जुज़ुहू कि दलालत न करे उस लफ्ज का जुज अला जुज़ माना हो, उसके माना के लफ्ज का जुज माना के जुज पर दलालत न करे, तो इसको क्या कहेंगे, मुफरद कहेंगे। वला बुद्ध हीन इदिन मिन बयान नुक्तिन फी ईरादी अहदिल वस्फैन जुमलतन फ़िअलियतन वल आखरी मुफरदन। अब यहां से देखो, इधर देखिए, मुफरदुन को जब हमने सिफत बनाया लफ्जुन की, तो लफ्जुन की कितनी सिफतें हो गई, दो, एक वुजियाली मानन और एक मुफरदुन। तो अब कहते हैं साहिब काफिया दो सिफतें ले आए लफ्ज की, एक वुजियाली मानन जुमला फ़िअलिया, और एक मुफरदुन लाए जो जुमला नहीं है, मुफरद है जुमला। तो अब नुक्ता जरूरी है, साहिब काफिया जो फसीह और बलीग इंसान हैं, जो काफिया की कमाल की उनकी इबारतें हैं, वो सिफत लेकर आ रहे हैं लफ्ज उनकी दो सिफतें, एक को माजी के सीगे के साथ जिक्र कर रहे हैं वो जिया माजी का सीगा, और दूसरा मुफरदन है, यानी इसम लेकर आए माजी का,
फेल वगैरह नहीं। तो क्या वजह है, या तो दोनों सिफतें माजी के सीगे लाते या दोनों को मुफरद लेकर आते, जुमला ना लाते, लेकिन एक सिफत को माजी का सीगा बनाया और एक सिफत को मुफरद बनाया, इसकी क्या वजह, इसमें कोई नुक्ता जरूरी है, नुक्ता हो भाई तो बताएंगे आपको कि नुक्ता इसमें यह है कि दो सिफतें लाए, कौन कौन सी, एक वुजिया और एक मुफरद। वुजिया के लिए माजी का सीगा इस्तेमाल किया और माजी पहले होती है, तो इसमें इस नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहते थे साहिब काफिया कि यह जो वजा है यह इफराद पर मुकदम है, यह वजा जो है इफराद पर। मुफरद लफ्ज किसे कहते हैं कि जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत ना करे, और यह कब होगा, वजा से पहले या वजा के बाद, यह वजा के बाद होगा, वजा मुकदम है और इफराद और तरकीब मुअख्खर है। तो इस नुक्ते को बतलाना चाहते थे कि मैं दो सिफतें तो ला रहा हूं लफ्ज की, एक है वजा और एक है इफराद, लेकिन वजिया को किस सीगे से ताबीर किया, माजी के सीगे से, और माजी गुजरे हुए जमाने को कहते हैं, यानी जो पहले हो चुका है। तो मालूम हुआ ये वो वजा भी क्या है, पहले है, मुकदम है, किस पर, इफराद पर। नुक्ता समझ में आ गया, वरना तो यह भी तो हो सकता था, साहिबे काफिया कह सकते थे अलकलिमतु लफ्जुन मौजूउन लिमानन, वुजिया लिमानन के बजाय क्या कह देते, मौजू अलकलिमतु लफ्जुन मौजूउन लिमानन मुफ्रदुन, कलिमा ऐसा लफ्ज है जिसको मौजूउन लिमानन किसके लिए वजा किया गया हो, माना के लिए, मुफ्रदुन और क्या हो, मुफ्रद हो, तो दोनों को इसम भी बना सकते थे, लेकिन साहिब काफिया ने मौजूउन के बजाय वुजिया लेकर आए माजी का सीगा, क्योंकि माजी गुजरे हुए जमाने पर दलालत करती है, माजी जो पहले हो चुका है, तो यहां भी यही बतलाना चाहते हैं कि वजा पहले है, वजा पहले है और इफराद उसके बाद है। नुक्ता समझ में आ गया, कहते हैं वला बुद्ध हीन इजिन मीन बयान नुक्तिन, और जरूरी है उस वक्त एक नुक्ते का बयान, एक नुक्ते किसी नुक्ते का बयान जरूरी है उस वक्त, किस वक्त भाई, जब मुफरदुन को लफ्जुन की सिफत बनाए, जब मुफरदुन को लफ्जुन की सिफत बनाए, तो उस वक्त जरूरी है कि किसी नुक्ते का बयान हो कि एक सिफत को क्या लाए माजी और दूसरे को क्या लाए गैर माजी, यानी इसम लेकर मुफरद लेकर आए, तो इनमें नुक्ते का बयान है। अब वो बयान करने लगे, कहते हैं वला बुद्ध हीन इजिन मिन बयान नुक्ततिन, और जरूरी है उस वक्त किसी नुक्ते का बयान करना, फी ईरादी अहदिल वस्फैनी, और अदा यूरिदु ईराद का माना है लाना, फी ईरादी अहदिल वस्फैनी, दो वस्फों में से, दो सिफतों में से एक को लाना, जुमलतन फ़ेलियतन, जुमलाए फ़ेलिया, वल आखरी मुफरदन, और दूसरे को मुफरद लाना, वल आखरी इसका आतफ है अहदिल वस्फैन पर, अहदिल और अहदिल वस्फैन मजरूर है, यह मुजाफिले है ईराद के लिए, तो इसी की जगह आखर ले आए, फी ईरादिल आखरी मुफरदन, तो मुफरदन का आतफ है जुमलतन फ़ेलियतन पर, वो मंसूब तो ये भी मंसूब, और अल आखरी का आतफ है अहदिल वस्फैन पर और वो मजरूर तो ये भी मजरूर। तो कहते हैं इसमें जरूरी है इस वक्त किसी नुक्ते का बयान करना, फी ईरादी अहदिल वस्फैनी जुमलतन फ़ेलियतन, दो वस्फों में से एक को जुमला फ़ेलिया लाने में, वल आखरी मुफरदन और दूसरे को मुफरद लाने में, दो वस्फों में से एक को जुमला फ़ेलिया लाने में और दूसरे को मुफरद लाने में किसी नुक्ते का बयान जरूरी है। आगे देखिए, कहते हैं वकअन्न नुक्ता तफीह तंबीह अला तकद्दुमिल वज़्अ अलल इफ़्रादी, गोया नुक्ता इसके अंदर जो है वो अत्तंबीह अला तकद्दुमिल वज़्अ अलल इफ़्रादी, वो मुतनब्बिह करना है इस बात पर कि वज़ा मुकद्दम है इफ़्राद पर, किस तरह, हैसु अता बिही बिसीगतिल माज़ी बिखिलाफिल इफ़्रादी, इस तौर पर के वजा को लेकर आए हैं बिसीगतिल माजी, माजी के सीगे के साथ, बिखिलाफिल इफरादी, बखिलाफ इफराद की सिफत के कि उसको माजी के सीगे के साथ नहीं लाए। यहां तक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। यहां एक और बात याद रखना, याद रखना, नहव की किताबों में मुफरद का लफ्ज आ जाए तो मुफरद चार चीजों के मुकाबले में आता है,
मुफरद कभी मुरक्कब के मुकाबले में आता है। जब किसी लफ्ज के बारे में कह दिया जाए कि यह मुफरद है तो माना क्या होता है, यह मुरक्कब नहीं। तो कभी मुफरद मुरक्कब के मुकाबले में आता है और कभी मुफरद जो है जुमले के मुकाबले में आता है। जब कोई लफ्ज हो लेकिन जुमला ना हो तो क्या कहते हैं, यह मुफरद है। तवज्जो से इधर देखिए भाई, एक है जुमला एक है गैर जुमला। गैर जुमला को फिर मुफरद कहेंगे, वहां आपने मुरक्कब को नहीं देखना। मसलन जैदुन कायमुन पूरा जुमला है तो यह है जुमला। इसके मुकाबले में मैं कहता हूं कि रजुलुन शुजाउन मुफरद है। रजुलुन शुजाउन, हालांकि रजुलुन एक लफ्ज शुजाउन दूसरा लफ्ज, तो बजाहिर तो यह मुरक्कब है, लेकिन यहां जो मैंने मुफरद कहा वह मुरक्कब के मुकाबले में नहीं कहा, बल्कि किसके मुकाबले में कहा, जुमले के मुकाबले में कहा। और रजुलुन शुजाउन जुमला है, जुमला नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, मुफरद कहेंगे। तो कभी जब मुफरद बोला जाए तो किसको निकालना मकसूद होता है, मुरक्कब को। और कभी जब मुफरद कहा जाए तो वो बेशक मुरक्कब हो लेकिन किसको निकालना मकसूद होता है, जुमले को। जुमले तो कभी मुफरद मुरक्कब के मुकाबले में आता है और कभी जुमले के मुकाबले में, और कभी मुफरद जो है वो तस्निया और जमा के मुकाबले में आता है। जब कह दिया जाए ये मुफरद है, मालूम हुआ तस्निया और जमा नहीं है। और इसी तरह कभी मुफरद मुजाफ और मुशाबे मुजाफ के मुकाबले में आता है। जब एक लफ्ज के बारे में कह दिया जाए ये मुफरद है, मालूम हुआ मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं है। तो आपने ख्याल रखना है कि मुफरद चार मानी के लिए इस्तेमाल होता है, तो किस मकाम पर वो किस माना के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये आपने ख्याल रखना है। जैसे ये मतन में आया अल कलिमतु लफ्जुन वुज़िअ माना मुफरदीन, ये मुफरद किसके मुकाबले में आया, मुरक्कब के मुकाबले में आया। माना मुफरद हो यानी मुरक्कब ना हो। और ये जो अभी इबारत आई फी इरादि अहदिल वस्फैनी जुमलतन फेलियतन वल आखरी मुफरदन, एक को जुमला फेलिया लाए दूसरे को मुफरद लाए, इससे मुफरद कौन सा मुराद, जो जुमले के मुकाबले में आए, किसके जुमले के मुकाबले में आए, यानी चाहे मुरक्कब तो हो लेकिन पूरा जुमला ना हो उसको मुफरद कहेंगे। तीसरी तरकीब आगे आ गई, कहते हैं वह अम्मा नस्बुहू, और बाकी ये मुफरदन का नसब जो है वह इल्लम युसाइद हु रस्मुल खत्ती, अगरचे रस्मुल खत इसको तकवियत नहीं देता, रस्मुल खत इसको सहारा नहीं देता, रस्मुल खत इसकी मदद नहीं करता। भाई देखिए ये मुफरद के अंदर तीनों एराब हैं, मुफरदुन मुफरदीन और मुफरदन, लेकिन अगर ये मुफरदन हो तो फिर दाल के बाद अलिफ लिखना चाहिए। भाई जब दो जबर आ जाए तो उस कलिमे के आखिर में क्या लिखा जाता है, अलिफ, जैसे जर बन, देखो बा के साथ अलिफ भी लिखेंगे। तो ये मुफरदन अगर मंसूब हो तो क्या लिखना चाहिए, अलिफ। और क्या इबारत में अलिफ है, अलिफ तो इबारत में मौजूद नहीं। तो तीसरा एहतमाल यह है कि यह मुफरदन हो, अगरचे रस्मुल खत यानी तहरीर इस एहतमाल को तकवियत नहीं देती, इस एहतमाल की मदद नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि यहां अलिफ मौजूद नहीं है। अगर अलिफ होता तो फिर इसको मुफरदन ही पढ़ा जाता, लेकिन यहां अलिफ नहीं है तो मालूम हुआ इस एहतमाल को रस्मुल खत तकवियत नहीं दे रहा, क्योंकि यहां अलिफ मौजूद नहीं। कहते हैं वह अम्मा नस्बहू, और बाकी इस मुफरदुन का नसब जो है वह इल्लम युसाइद हु रस्मुल खत्ती, अगरचे रस्मुल खत जो है वो इसकी इसको तकवियत नहीं देता, इसकी मदद नहीं करता। फअला अन्नहु हालुम मिनल मुस्तकिन्नी फी वुज़िआ, जी मैंने क्या बताया था, मुफरदन पढ़े तो ये किससे हाल है, दो एहतमाल, या तो वुज़िआ की हुआ जमीर से हाल या मानन से हाल, वो ही बयान कर रहे हैं। तो कहते हैं फ़अला अन्नहु हालुम मिनल मुस्तकिन्नी, मुस्तकिन्नुन इसका मादा है काफ नून नून, कन नून मादा है, और मुस्तकिन का माना है पोशीदा छुपी हुई, ये बमाने मुस्ततिर के है, मुस्ततिर भाई। और वुज़िआ के अंदर जमीर बारिश है या मुस्ततिर है, वो ज़िआ उसमें जमीर क्या है, मुस्ततिर है, छुपी हुई है। तो कहते हैं फ़अला अन्नहु हालुम मिनल मुस्तकिन्नी फी वुज़िआ, तो इसका नसब जो है बिना बर इसके है कि ये हाल है, वो जो जमीर मुस्ततिर है फी वुज़िआ, वुज़िआ के अंदर।
अमिनल माना, ये हाल है किस से? माना से हाल है। यहां तक बात समझ में आ गई। फ इन्नहू मफूलुन बिही बिवासितति लामी, इसलिए क्योंकि माना जो है वो मफूल बिही है बवास्ता लाम के। ये इसको समझ लें भाई। याद रखो साहिब काफिया का मजहब यह है कि हाल जो है वो फाइल या मफूल बिही की हालत बयान करने के लिए आता है। हाल फाइल या मफूल बिही या दोनों की हालत बयान करने के लिए आता है, और चीजों से हाल नहीं आएगा। हाल हमेशा किससे आएगा? या फाइल से या मफूल बिही से आएगा। जबकि इब्ने मालिक रहमहुल्ला, वो भी बड़े मशहूर बड़े नहवी गुजरे हैं, वो फरमाते हैं हाल मुतलकन हैअत बयान करने के लिए, हालत बयान करने के लिए आता है, वो किसी भी चीज से आ सकता है, फाइल या मफूल का होना जरूरी नहीं। लेकिन साहिब काफिया का क्या मजहब है? हाल हमेशा किससे आएगा? फाइल या मफूल बिही से, या दोनों से हाल आएगा, किसी और चीज से हाल नहीं आ सकता। चुनांचे बहुत सी जगह पर एक चीज से हाल आ रहा होता है और वह लफ्जों में न फाइल है न मफूल बिही है, तो फिर वहां वो तावील उनको करना पड़ती है कि यह माना के एतबार से क्या है, फाइल है या मफूल बिही है। क्योंकि हाल सिर्फ किससे आता है इनके नजदीक? फाइल या मफूल बिही से, और किसी से नहीं आ सकता। यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां पर इश्काल होता है कि वुज़िया के हुआ जमीर से आपने हाल बनाया, किससे? वुज़िया के हुआ जमीर से, और हुआ जमीर क्या है? नायबुल फाइल है, और नायबुल फाइल का वही हुक्म होता है जो किसका होता है? फाइल का। लिहाजा उससे तो हाल का आना ठीक है। हाल भी किससे आता है? फाइल से या मफूल बिही से। तवज्जो नहीं है मेरा ख्याल। हाल किससे आता है? फाइल या मफूल बिही से आता है। और उजिया के अंदर जो हुआ जमीर है वो तो नाई फाइल है, वो तो फाइल नहीं है। कहते हैं भाई वो फाइल तो नहीं लेकिन नाइबुल फाइल है, फाइल के नाइब है, उसके कायम मकाम है, इसका भी वही हुक्म है। जब वो नाइबुल फाइल है तो वो फाइल के दर्जे में, लिहाजा उससे हाल का आना सही। दूसरा इश्काल हुआ कि लिमानन, ये लाम जार्रा है और मानन मजरूर है, तो इससे हाल कैसे सही हो गया? ना तो ये फाइल है ये मानन, और ना ये मफूल बिही है, तो ये हाल कैसे इससे आ गया? तो जवाब देंगे कि भाई ये दरअसल मफूल बिही ही है, ये दरअसल मफूल बिही है भाई, इसलिए इससे हाल का आना सही। तफसील याद रखो, तफसील याद रखो कि मफूल बिही दो किस्म पर है। एक को मफूल बिही सरीह कहते हैं और एक को मफूल बिही गैर सरीह। मफूल बिही सरीह वो है जिसको फेल बराह रास्त नसब देता है। सरीह का माना साफ, साफ लफ्जों में यानी वाजह तौर पर। सरीह का माना वाजह। ज़रबतु ज़ैदन, ये ज़ैदन को किसने नसब दिया? ज़रबतु ने, और किस वजह से नसब दिया? मफूल बिही होने की वजह से। तो यह ज़ैदन मफूल बिही सरीह है, यानी वाजह मफूल बिही है। हर तालिब इल्म जानता है ये क्या है? मफूल बिही है। इसी तरह एक और मफूल बिही है और वो गैर सरी है, और वो मफूल बिही है हरफ जर के वास्ते से। याद रखो ये हरूफ जारा जो हैं ये किसी फेल को मुतअद्दी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसन मर्र यमुर्र के माने है गुजरना, मर्र यमुर्र के माने गुजरना। अब मैं कहना यह चाहता हूं कि मैं जैद के पास से गुजरा, तो मरर तू जैदन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मरर तू फेले लाजिम है, ये जैदन को नसब नहीं दे सकता। तो फिर मैं हरफे जर की मदद लेता हूं, मरर तू बी जैदीन। अब बात बन गई, बा जारा जैदीन मजरूर और जार मजरूर मिलकर ये मुतालिक हो गए, किससे? मरर तू फेल से। मरर तू अब अमल कर रहा है जैद के अंदर किसके वास्ते से? बा जारा के वास्ते से। तो ये जो हरूफे जारा हैं, जब फेल बराह रास्त एक चीज को नसब न दे सके, मफूल बिही न बना सके, तो किसकी मदद ली जाती है? हरूफ जारा की मदद ली जाती है। तो ये जिन पर हरूफ जारा दाखिल होते हैं ये भी दरअसल उस फेल के मफूल बिही हैं, अलबत्ता इसको गैर सरीह कहते हैं। मरर तो भी जैदीन मफूल बिही सरीह तो नहीं, सरहतन तो यह मजरूर है बाजारा की वजह से, लेकिन यह माना के एतबार से क्या है? मफूल भी ही है मरर्तू के लिए।
तो एक है जरबतु जैदन, ये वाला जैदन जो मंसूब है यह भी मफूल भी ही, और एक है मररतु बि जैदिन, ये जैदिन मजरूर है लेकिन यह भी मफूल भी ही। तो एक है मफूल भी ही सरीह, एक है मफूल भी ही गैर सरीह। जरबतु जैदन, ये जैदन क्या है? मफूल भी ही सरीह, ये वाजह है, ये क्या है? मफूल भी ही है, वाजह है ये बात। और एक है मररतु बि जैदिन, ये जैदिन भी क्या है? मफूल भी ही है। किसके लिए? मरारतू के लिए, लेकिन ये मफूल भी ही गैर सरीह है। बात समझ में आ गई? तो ये जो हुरूफ है जारा, जिनके जरिए कोई इसम किसी फेल वगैरह से मुतालिक होता है, तो जिस इसम पर ये दाखिल होते हैं वो इसम भी क्या होता है? मफूल भी ही, लेकिन उसको क्या कहते हैं? मफूल भी ही गैर सरीह। दूसरी मिसाल ले लो, जरा तू जैदन, मैंने जैद की पिटाई की। अब मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने जैद की पिटाई की है लाठी के साथ। किसके साथ? तो मैं कहना चाहता हूं जरबतु जैदन अल आसा, आसा लाठी को कहते हैं, लेकिन अल आसा में आगे नहीं ला सकता क्योंकि जरबतु एक मफूल को नसब देता है और वो जैदन आ चुका है। मफूल भी ही की बात कर रहा हूं, एक मफूल भी ही को जरबतु नसब देता है, दो या तीन को नसब, तो वो जैदन तो आ गया। मैं आगे अल आसा को भी लाना चाहता हूं, अब क्या करूं? जरबतु तो इसको नसब नहीं दे सकता, तो फिर मैं हुरूफ जारा की मदद लेता हूं। अब मैं बात जारा ले आया, जरबतु जैदन बिल आसा, अब बात ठीक हो गई। अब जरबतु अल आसा में अमल कर रहा है लेकिन बराह रास्त नहीं, किसके वास्ते से? बा जारा के वास्ते से। तो जरबतु जैदन बिल आसा, जैदन भी मफूल भी ही है जरबतु के लिए, और अल आसा जिसको जार मजरूर हम कहते हैं, यह अल आसा भी क्या है? मफूल भी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जैदन है मफूल भी ही सरीह, और ये जो अल आसा है ये मफूल भी ही गैर सरीह है। तो हासिल कलाम क्या कि वो हुरूफ जारा जिनके जरिए कोई फेल मुतादी होता है, या यूं कहें हुरूफ जारा जब किसी फेल से मुतालिक होते हैं तो जिस चीज को वो मुतालिक करते हैं फेल से वो दरअसल क्या होता है? उसका मफूल भी ही होता है, लेकिन मफूल भी ही गैर सरीह होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो इश्काल क्या हुआ था कि अलकलिमतु लफ्जुन वुज़िअ अली माना मुफ्रदन, मुफ्रदन को आपने हाल बनाया किससे? मानन से। मानन से जब हाल बनाए तो मानन तो लाम जारा के लिए मजरूर है, ये तो नफाइल है ना मफूल भी ही है, तो इसे मुफ्रदन हाल कैसे आया? तो जवाब हो गया कि लिमानन मजरूर है लाम जारा के लिए, और यह लाम जारा किससे मुतालिक है? वुज़िया से मुतालिक है। तो ये मानन क्या हुआ? वुज़िया के लिए मफूल भी ही है, और कौन सा मफूल भी ही है? गैर सरी है। तो मानन भी मफूल भी ही है, अलबत्ता मफूल भी ही गैर सरी है। यहां तक बात समझ में आ गई? कहते हैं औ मीनल माना, या ये हाल है माना से, फइन्नहू मफूलुन बिही बिवासितति लामी। ये फा जो है ये इल्लत बयान करने के लिए आती है। इसका तर्जमा क्योंकि के साथ करेंगे, क्योंकि भाई आपने पढ़ा उसूल शाशी वगैरह में कभी फा इल्लत बयान करने के लिए लाई जाती है फा, तो उस फा का तर्जमा क्योंकि या इस वजह से करते हैं। यहां पर भी इसी तरह है औ मिनल माना, या ये मुफरदन हाल है माना से, फ इन नहू मफूल उन भी ही बिवासिता तिल्लामी, इसलिए क्योंकि ये माना जो है ये मफूल भी ही है बवास्ताए लाम के, ये मफूल भी ही है बवास्ताए लाम के। यहां एक और फायदा याद रखें भाई, कीमती फायदा आपके काम आएगा। ये जो हरूफ जारा जो मुतालिक होते हैं फेल वगैरह से, या यूं कहो ये फेल वगैरह जिस हरफे जर के जरिए मुतादी होते हैं, या यूं कहें वो हरूफ जारा जो किसी फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं वो उसका सिला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उसका सिला, स्वाद लाम और गोलता है सिलतुन। तो जो हरूफ जारा किसी फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं यानी जिनके जरिए फेल मुतादी होता है वो उसका सिला कहलाते हैं। तो यहां पर भी फइन्नहू वुज़िअ लिमानन, ये वुज़िया मुतादी है किसके जरिए? लाम के जरिए। तो ये लाम सिला कहलाएगा वुज़िया का, ये लाम क्या है? सिला है वुज़िया का। लिहाजा इसका खूब ख्याल रखना, बाज़ औकात असातिज़ा तकरीर करते हुए ये कहकर आगे चले जाएंगे, मसलन ये इबारत आ गई कि
अलकलिमातो लफ्जों वुज़िआ लिमाना मुफ्रदीन, तो कोई उस्ताद सिर्फ इतना बताकर आगे चला जाएगा कि लिमानन ये लाम सिला है वुज़िआ का, ये लाम सिला है, तो आप समझ जाएं इसका माना यह है कि यह वुज़िआ से मुतअल्लिक हो रहा है और इस लाम के जरिए यह फेल मुतअद्दी हो रहा है। बात समझ में आ गई? बस यूं आसान लफ्जों में यूं कहो, जो हरफे जर जिस फेल से मुतअल्लिक होता है उसका सिला कहलाता है। जैसे दूसरी मिसाल ले लो, ज़रबतु ज़ैदन फिद्दारी, ज़रबतु ज़ैदन फिद्दारी, मैंने जैद की पिटाई की घर में। यह फिद्दार किससे मुतालिक है? ज़रबतु से मुतालिक है, आठ चीजों से मुतालिक होता है ना, उसमें से ज़रबतु भी है। मैंने पिटाई की कहां पर की? घर में, तो उस घर में, तो फिद्दार मुतालिक हुआ ज़रबतु से, तो क्या कहेंगे? ये फी सिला है किसका? ज़रबतु का। ज़रबतु ज़ैदन बिल आसा, क्या कहेंगे? ये बा सिला है किसका? ज़रबतु का। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो ये अला कुल्ली शैइन ये जार मजरूर है, तो ये सिला है किसका? ये किससे मुतालिक? कदीर से मुतालिक। तवज्जो है, अला कुल्ली शैइन किससे मुतालिक है? कदीर से मुतालिक। अच्छा, मैं फायदा जिक्र कर रहा था कि फेल जिस हरफे जर के जरिए मुतअद्दी हो उसको उस फेल का सिला कहते हैं, तो लिमानन में ये लाम सिला है किसका? वुज़िआ का। वुज़िआ, याद रखो सिला का लफ्ज इल्मे नह में तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। सिला का लफ्ज तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। एक सिला का माना होता है जायद, एक सिला जो होता है मौसूल का, एक इसमें मौसूल होता है और फिर आगे उसका सिला, और एक सिला वो हरफे जर जिसके जरिए कोई फेल मुतअद्दी होता है। तो सिला का लफ्ज कितनी चीजों के लिए बोला जाता है इल्मे नह में? तीन चीजों के जरिए। नंबर एक, सिला का माना है जायद, दूसरा सिला है जो इसमें मौसूल का, और तीसरा सिला वो हर्फ जिसके जरिए कोई फेल मुतअद्दी होता है। तो सिला का पहला माना क्या? जायद। जायद भाई याद रखो, आप पढ़ चुके हैं कि बाज औकात बाज हरूफ जायद इस्तेमाल होते हैं कलाम के अंदर। बाज हरूफ क्या होते हैं कलाम के अंदर? जायद इस्तेमाल होते हैं, यानी अपने माना का फायदा नहीं देते, माना का फायदा नहीं देते। जैसे लैस ज़ैदुन बिकाइमिन, ज़ैद खड़ा नहीं है, यह बाजारा क्या है? जायद है, इसी अपने माना का फायदा नहीं दे रही, गोया कलाम ऐसे ही है लैस ज़ैदुन क़ाइमन। तो ये हुरूफ कभी जायद इस्तेमाल होते हैं कलाम अरब में, तो ये जायद हुरूफ अगर कुरान में आ जाएं तो इनको फिर जायद नहीं कहते बल्कि सिला कहते हैं। तो तफसीर के अंदर कभी ये लफ्ज आ जाएगा कि ये लफ्ज क्या है? ये सिला है, तो आप समझ जाएं क्या माना है? जायद है। तो बतौर अदब के, बतौर अदब के कुरान के लिए जायद का लफ्ज नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? सिला, क्योंकि जायद से यूं शुबा पड़ता है जैसे यह चीज बिल्कुल ही जायद है, बेकार है, हालांकि वह बेकार नहीं होती, उसकी वजह से कलाम में हुसन पैदा होता है, कलाम में जोर पैदा होता है। एक मैं कहता हूं लैसा ज़ैदुन क़ाइमन, लैसा ज़ैदुन क़ाइमन, और एक मैं बा जारा ज़ायदा ले आता हूं लैसा ज़ैदुन बिक़ाइमिन। इस बा ने दो काम किए, एक तो इबारत में हुसन पैदा कर दिया, यह ज़ायद है, लेकिन इसने दो फायदे दिए, एक तो इसने कलाम में हुसन पैदा कर दिया और नीस कलाम के अंदर ताकीद और जोर पैदा कर दिया। अपने माना का फायदा नहीं दिया लेकिन कलाम में जोर पैदा कर दिया। तो ये जायद हुरूफ बिल्कुल जायद भी नहीं होते, इनका फायदा तो होता है। तो कुरान के अंदर जब अगर हम कहेंगे ये लफ्ज जायद है तो ये मुनासिब नहीं, तो फिर वहां क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि ये हर्फ सिला है, माना वही होता है कि यह जायद है। इसी तरह जो फेल मुतअद्दी हो किसी हर्फ के जर के जरिए उसको भी उसका सिला कहते हैं। इसी तरह मौसूल का जो सिला हो उसको भी सिला कहते हैं, उसको भी सिला। यहां एक और कीमती बात आपको बतलाऊं, याद रखो एक होता है इसमें मौसूल, एक होता है हर्फे मौसूल। इसमें मौसूल के लिए भी सिला चाहिए, हर्फे मौसूल के लिए भी सिला चाहिए। हर्फे मौसूल, इसमें मौसूल के लिए सिला आता है, आप जानते हैं अल्लज़ी ज़रबा का, या अल्लज़ी के बाद यह ज़रबा का पूरा जुमला एक चाहिए जो सिला बने, इससे इसमें मौसूल का माना समझ में आता है, वैसे माना समझ में नहीं आता।
इसी तरह एक हर्फ मौसूल होता है, उसके लिए भी सिला चाहिए, और हर्फ मौसूल तीन हैं, अन, मा और अन्ना। हुरूफ मसदरिया जो हैं, हुरूफ मसदरिया तीन हैं, अन, मा और अन्ना। अन, मा और अन्ना, ये तीन हुरूफ मसदर हैं। मा और अन ये जुमला फेलिया पर दाखिल होते हैं और उसको मसदर के माना में कर देते हैं। मा और अन ये जुमला फेलिया पर दाखिल होते हैं और उसको किस माना में कर देते हैं, मसदर के माना में। और अन्ना, अन्ना हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है, ये किस पर दाखिल होता है, जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है। इसके लिए एक इसम चाहिए और एक खबर, तो ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है और उसको किस माना में कर देता है, मसदर के माना में। तो ये मा, अन और अन्ना, ये क्या है, ये हुरूफ मसदरिया और यही हर्फ मौसूल भी हैं। मा और अन ये किस पर दाखिल होंगे, जुमला फेलिया पर, तो वो इनका सिला कहलाएगा। और अन्ना किस पर दाखिल होगा, जुमला इस्मिया पर, वो इसका सिला कहलाएगा। तो सिला इसमें मौसूल का भी आता है और हर्फ मौसूल का भी आता है। हां, फर्क यह है कि हर्फ मौसूल के सिले में कोई आयद नहीं चाहिए होता, लेकिन इसमें मौसूल के सिले में आयद चाहिए, रबत चाहिए। मौसूल का सिला जुमला होता है और जुमले को किसी भी चीज से जोड़ने के लिए क्या चाहिए, रबत चाहिए। तो इस जब इसमें मौसूल का सिला है तो उसमें एक जमीर का होना जरूरी, जो किसकी तरफ लौटे, इसमें मौसूल की तरफ लौटे। इसमें मौसूल का जो सिला होता है उसमें रबत जरूरी है, आयद जरूरी है, जबकि हर्फ मौसूल का जो सिला है उसमें आयद नहीं होता, वो आयद का मोहताज नहीं है। और मैंने आपको बतलाया था, तरकीब के अंदर जिक्र किया था कि हर्फ और फेल की तरफ जमीर नहीं लौटती, जमीर सिर्फ इसम की तरफ लौटती है। तो ये हर्फ मौसूल हैं, सिले के अंदर कोई जमीर नहीं चाहिए जो इनकी तरफ लौटे, और जमीर लौट ही नहीं सकती इनकी तरफ, क्योंकि अगर इनकी तरफ जमीर लौटेगी फिर तो ये हर्फ ना रहेंगे, फिर तो ये इसम होंगे, क्योंकि जमीर सिर्फ किसकी तरफ लौटती है, इसम की तरफ लौटती है। ये कीमती जाब्ता हमेशा याद रखना, क्या कि जमीर सिर्फ इसम की तरफ लौट सकती है, हर्फ या फेल की तरफ नहीं लौट सकती। बल्कि इसको नहवी हजरात दलील बनाते हैं, जब किसी लफ्ज की तरफ कोई जमीर लौट रही हो तो कहते हैं देखा इसकी तरफ जमीर लौट रही है, ये दलील है कि ये इसम है, ये दलील है कि ये इसम है, क्योंकि इसकी तरफ जमीर लौट रही है। तो हासिल ये हुआ कि सिला का लफ्ज नहव में तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, एक सिला का माना जायद, दूसरा सिला वो हर्फ जर जिसके लिए कोई फेल मुतअद्दी हो, और तीसरा मौसूल का सिला। और मौसूल फिर दो किस्म पर है, एक इसमें मौसूल है और एक हर्फ मौसूल है। और हर्फ मौसूल किसको कहते हैं, वो जो हुरूफ मस्तर हैं। आगे देखिए, कहते हैं वजहु सिहतिहि अन्नल वज़अ व इन कान मुक़द्दमन अलल इफ़्रादि बिहसबि ज़ाति लकिन्नहु मुक़ारिनुन लहु बिहसबि ज़मान व हाज़ल क़द्रु काफ़िन लिसिहतिल हालिया। ये एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज यह होता है कि आपने मुफ़रदन को मानन से हाल बनाया, तवज्जो है, मानन से हाल बनाया, और जाबता है कि हाल और आमिल जुलहाल का जमाना एक होता है, हाल और आमिल जुलहाल, वो जो जुलहाल में अमल करने वाला है, दोनों का जमाना एक होता है। तो हाल क्या है, मुफरदन, और जुलहाल क्या है, मानन, और उस जुलहाल के अंदर आमिल कौन है, वो मफूल भी ही है, किसके लिए, वो ज़िया के लिए। तो हाल हुआ मुफरदन और आमिल जुलहाल हुआ वुज़िया, और ज़ाब्ता क्या है, हाल और आमिल जुलहाल का जमाना एक होता है, हाल और आमिल जुलहाल का जमाना एक होता है। मसलन मैं आपसे कहता हूं जा अनी जैदुन राकिबन, आया मेरे पास जैद सवार होकर, तो जैदुन है जुलहाल और राकिबन उससे क्या आया, हाल। तवज्जो है, जैदुन फाइल है जा के लिए और यह जुलहाल है और राकिबन उससे हाल आया। हाल और आमिल जुलहाल का जमाना एक होता है, हाल क्या, राकिबन, और जुलहाल क्या, जैदुन, और ये जैदुन में आमिल कौन, किसने इसको रफा दिया, जाने। तो हाल और आमिल जुलहाल का जमाना एक होना चाहिए, यानी ये जो रुकूब है और ये जो मजीअत है आना, आना,
तो ये रुकूब और मजीयत का जमाना एक होता है। जा अनी जैदुन राकिबन, जैद मेरे पास सवार होकर आया। मालूम हुआ जैद के आने और सवार होने का जमाना एक ही है। जिस जमाने में वो आया है उसी जमाने में वो क्या था? सवार भी था। तो हाल और आमिल हर्जुल हाल का जमाना एक होता है। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। यहां पर भी, यहां पर मुफरदन हाल है किससे? माना से। और माना जो है वो मफूल भी गैर सरी है, किसके लिए? वुजिया के लिए। तो जुलहाल जो माना है इसके अंदर वुजिया आमिल है, वो आमिल जुलहाल है। वुजिया क्या है? आमिल। तो मुफरदन है हाल और वुजिया है आमिल जुलहाल। और जाब्ता क्या है? हाल और आमिल जुलहाल का जमाना एक होना चाहिए, हालांकि यहां पर दोनों का जमाना एक नहीं है। आपने अभी हमें बताया था कि एक है वजा, एक है मुफरद होना। क्या मुकद्दम है? वजा मुकद्दम है और मुफरद होना मुअख्खर है। मालूम है दोनों का जमाना एक नहीं है। तो यहां पर भी मुफरदन को जब हाल बनाया तो मुफरदन हुआ हाल और वुजिया क्या हुआ? आमिल जुलहाल। तो दोनों का जमाना एक नहीं, क्योंकि वजा पहले है और मुफरद होना बाद में है। इश्काल समझ में आया? हालांकि यह जरूरी है हाल के अंदर के हाल और आमिल जुलहाल का जमाना एक हो। तो उसका जवाब आपको देंगे कि भाई कि वजा मुकद्दम है इफराद पर, इससे तकद्दुम जमानी नहीं मुराद बल्कि तकद्दुम जाती मुराद है। बल्कि क्या मुराद है? हमने कहा वजा मुकद्दम है इफराद और तरकीब पर, यहां से कौन सा तकद्दुम मुराद है? मुकद्दम होना। कौन सा मुकद्दम होना? जाती, जात के एतबार से मुकद्दम है। तकद्दुम जमानी मुराद नहीं है। तकद्दुम जमानी में एक चीज पहले होती है और दूसरी चीज बाद में, लेकिन तकद्दुम जाती में ऐसा नहीं। तकद्दुम जाती इसको कहते हैं कि एक चीज जात के एतबार से तो दूसरी चीज से मुकद्दम होती है, उस चीज के लिए इल्लत होती है। यह है तो वह दूसरी चीज भी है, यह नहीं तो दूसरी चीज भी नहीं, लेकिन दोनों का जमाना एक ही होता है। जात के एतबार से मुकद्दम लेकिन जमाना एक। आप हैरान होंगे ये कैसे, जात के एतबार से मुकद्दम हो और जमाना एक हो। भाई देखो, देखो आप ताले में चाबी घुमाते हैं तो ताला खुल जाता है। अब मुझे बताइए, चाबी का घूमना पहले है या ताले का खुलना पहले है? आप कहेंगे चाबी का घूमना। हां, चाबी का घूमना पहले है और ताले का खुलना बाद में, लेकिन चाबी का मुकद्दम होना सिर्फ जात के एतबार से है, जमाने के एतबार से नहीं है। जात के एतबार से चाबी का घूमना पहले और ताले का खुलना बाद में, जमाने के एतबार से दोनों इकट्ठे हैं। जो जो चाबी घूम रही है साथ साथ ताला खुलता जा रहा है, दोनों का जमाना बिल्कुल एक है। तो यहां चाबी का घुमाना यह इल्लत है ताले के खुलने के लिए। चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा, वरना ताला नहीं खुलेगा। तो जहां एक चीज दूसरी चीज के लिए इल्लत होती है, क्या होती है? इल्लत होती है। वो है तो ये दूसरी चीज है, वो चीज नहीं तो ये दूसरी चीज भी नहीं। तो यहां इस तकद्दुम कौन सा होता है? तकद्दुम जाती, यानी जात के एतबार से तो मुकद्दम है, जमाने के एतबार से मुकद्दम नहीं। दूसरी मिसाल ले लें, जैसे सूरज का तुलू होना यह इल्लत है दिन के होने के लिए। तो सूरज का तुलू होना मुकद्दम है और दिन का होना मुअख्खर है, लेकिन यह जो सूरज का निकलना है इसको तकद्दुम जाती हासिल है। जात के एतबार से मुकद्दम है, जमाने के एतबार से मुकद्दम नहीं। जो जो सूरज निकलता जा रहा है उसके साथ साथ ही दिन होता जा रहा है। तो तकद्दुम जाती समझ में आया, जबकि एक तकद्दुम जमानी होता है। एक चीज जमाने के एतबार से पहले हो, जैद आज आया, अमर कल आया, तो जैद को तकद्दुम जमानी है आने के एतबार से। तो जवाब ये, इश्काल क्या हुआ था कि हाल और आमिल जुलहाल का जमाना एक होता है, तो यहां तो वजा मुकद्दम है और इफराद और तरकीब मुअख्खर। तो जवाब ये कि वजा यहां तकद्दुम जाती हासिल है, तकद्दुम जमानी नहीं। जात के एतबार से वजा मुकद्दम है, जमाने के एतबार से नहीं। जमाना दोनों का एक ही है। जिस लम्हे में वजा हो रही है उसी लम्हे में वो माना भी इफराद या तरकीब के साथ मौसूफ हो रहा है। तो कहते हैं वह वजह से हती ही, और इसके सही होने की वजह
मुफरदन का हाल होना सही हो, इसकी वजह यह है कि अन्नल वजह व इनकान मुकदमन अलल इफरादी, कि वजह अगरचे वो मुकदम है इफराद तरकीब पर, बिहसब जाती, किस एतबार से, जात के एतबार से, लेकिन न हो मुकारिन उन लहू बिहसब जमानी, लेकिन वो उसके साथ मिली हुई है, जुड़ी हुई है जमाने के एतबार से, यानी दोनों का जमाना एक ही है। तो माना समझ में आया कि वजा अगरचे मुकदम है इफराद पर जात के एतबार से, लेकिन जमाने के एतबार से वो उसके साथ मिली हुई है, दोनों का जमाना एक है। वहादल कदर काफिन ले सेहतिल हालियती, और इतनी मिकदार काफी है ले सेहतिल हालियती, इसके हाल होने के सही होने के लिए, और इतनी मिकदार काफी है कि इसका हाल होना सही हो जाए, क्योंकि दोनों का जमाना एक है, और हाल और आमिल जुल्हाल का भी जमाना एक होना चाहिए। वहादल कदर काफिन, जी ये काफिन, ये 16 किस्मों में से कौन सी किस्म है, ये शाबाश, काजिन की तरह है, इसमें मनकूस है, इसके इस वक्त इसका एराब क्या है, मरफू है, शाबाश खबर है, हाजल कदर मुब्तदा और काफिन उसकी खबर, और तो या जो है इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिर गई, तो हालत रफी में भी इसका एराब तकदीरी, और हालत जरी में भी इसका एराब तकदीरी, और हालत नस्बी में एराब लफ्जी आएगा। तो कहते हैं वहाद अल कदर काफिन ले सेहतिल हालियती, और इतनी मकदार यानी जमाने के एतबार से जो मुकारनत है ये काफी है, ले सेहतिल हालियती, इस मुफरदन के हाल होने के सही होने के लिए। वकैदुल इफराद ली इखराजिल मुरक्कबात मुतलकन सवा उनकानत कलामियतन औ गैर कलामियतिन। अच्छा, अब कैद का फायदा बतला रहे हैं कि ये मुफरदून की कैद क्यों लगाई। कहते हैं मुरक्कबात को निकालने के लिए, मुफरद यहां किसके मुकाबले में है, मुरक्कब के मुकाबले में है, तो जब मुफरद की कैद लगा दी तो मुरक्कबात निकल गए, चाहे वो मुरक्कबात कलामिया हो चाहे मुरक्कबात गैर कलामिया। भाई मुरक्कबात कलामिया किसे कहते हैं और मुरक्कबात गैर कलामिया किसे कहते हैं, भाई लफ्जों पर ही गौर कर लें। मुरक्कबात कलामिया मुरक्कब भी हो और कलाम भी हो, मुरक्कब भी हो और कलाम भी हो, यानी उसमें बात पूरी हो। ज़ैदुन क़ायमुन जुमला है, कलाम है, बात पूरी है, जहां इसमें बात पूरी है, तो ये मुरक्कब भी है, दो लफ्ज़ हैं, ज़ैदुन भी है और क़ायमुन, और कलाम भी है, तो ये मुरक्कब कलामी है। और रजुलुन शुजाउन क्या तर्जमा, बहादुर आदमी, मुरक्कब तो ये है लेकिन कलाम नहीं है, पूरी बात इसमें नहीं है, इसका माना है बहादुर आदमी तो बात पूरी नहीं, तो ये मुरक्कब हुआ गैर कलामी। मुरक्कब हुआ तो मुरक्कब कितनी किस्म पर, दो किस्म पर, कभी कलामी होगा यानी बात उसमें पूरी होगी, और कभी मुरक्कब तो होगा लेकिन कलामी नहीं होगा, गैर कलामी होगा। इसी तरह मुजा मुजाफिले हैं, गुलाम उजैदिन मुरक्कब है कि नहीं, दो लफ्ज है, मुरक्कब है, और इसमें बात पूरी है, जैद का गुलाम, आप किसी को सारा दिन कहते रहे जैद का गुलाम, जैद का गुलाम, जैद का गुलाम, वो कहेगा भाई आप क्या कहना चाहते हैं, बात तो पूरी करें, वो आ गया है, चला गया है, मर गया है, उसको क्या हुआ है, तो बात पूरी नहीं। तो गुलाम उजैदीन ये मुरक्कब तो है लेकिन कलाम नहीं, तो ये मुरक्कब गैर कलामी है। तो जब मुफरद की कैद लगा दी तो सारे मुरक्कबात निकल गए, चाहे कलामी हो चाहे गैर कलामी हो। तो कहते हैं वकैदुल इफराद ली इखराजिल मुरक्कबात मुतलकन, और इफराद की कैद जो है वो मुतलकन मुरक्कबात जो है उनको निकालने के लिए है, सवा उनकानत कलामियतन और गैर कलामियतिन, बराबर है कि वो मुरक्कबात कलामी हो या गैर कलामी हो। फयखरुजु बिही अन हद्दिल कलिमती, तो पस निकल गए कलिमा की तारीफ से, मिस्लु रजुलि वकाइमतिन व बसरियिन व अमसालिहा। कहते हैं जब ये मुफरदीन की कैद लगाई तो कलिमा की तारीफ से अर रजुल कायमतुन और बसरियुन जैसी मिसालें निकल गईं, क्योंकि यहां जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है। देखो अर रजुल, अर रजुल में अलिफ लाम तारीफ और तायीन पर दलालत कर रहा है कि यह लफ्ज क्या है, मारिफा है और कोई मुतायन शख्स मुराद है, और रजुल रजुल होने पर दलालत कर रहा है, तवज्जो है। अर रजुल दो चीजें हैं, एक अलिफ लाम है एक रजुल,
तो अलिफ लाम तारीफ और तायीन पर दलालत कर रहा है, और रजुल किस पर, रजुल की सिफत पर दलालत कर रहा, रजुल होने पर दलालत कर रहा है, तो जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है, तो यह मुरक्कब हुआ, तो यह तारीफ से निकल गया, क्योंकि हमने तो क्या कहा कि वह माना मुफरद होना चाहिए, या वो लफ्ज क्या होना चाहिए, मुफरद होना चाहिए। इसी तरह कायमतुन जैसे लफ्ज भी निकल गए, कायमतुन, कायमतुन में कायमुन सिफत क्याम पर दलालत कर रहा है, और गोलता जो है ताय मरबूता वो तानीस पर दलालत कर रही है, तो जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है, तो कायमतुन भी कलीमा से निकल गए, ये कलीमा नहीं, ये कलीमा नहीं, ये मुरक्कब है। इसी तरह बसरियुन या बेसरियुन ये लफ्ज भी, इस जैसे लफ्ज भी निकल गए, क्योंकि ये तो एक तो शहर बसरा पर दलालत कर रहे हैं, और फिर या निस्बत की है, लाहौरियुन का क्या माना, लाहौर वाला, तो लाहौर पे भी दलालत हुई, और लाहौर की तरफ निस्बत जो है उस पर या ने दलालत कर दी, तो जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है। ये सब क्या हुए, कलिमा की तारीफ से निकल गए, क्योंकि कलिमा की तारीफ में क्या कैद बढ़ा दी, मुफरद की कैद बढ़ा दी। आप देखिए तर्जमा कहते हैं फया खुरुजू बिही अन हद दिल कलिमती, तो इस मुफरदिन की कैद के जरिए कलिमा की तारीफ से निकल गए, क्या निकल गए, मिसलुर रजुली व काइमतिन व बसरीन व अमसालिहा, अर रजुल काइमा और बसरी और इनके मिसल जो लफ्ज हैं वो सब निकल गए, मिम्मा यदुल्लु जुज उल लफ्ज मिनहु अला जुज इल माना, यानी कि वो लफ्ज के जिसमें जुजे लफ्ज दलालत करता है जुजे माना पर वो सब इससे निकल गए, लाकिन नहु युअद्दु लिशिद्दतिल इम्तिजाजी लफ्जतन वाहिदतन, लेकिन इनको शुमार किया जाता है लिशिद्दतिल इम्तिजाजी, इम्तिजाज का माना है मिल जाना, जुड़ जाना, यानी मजबूती से जुड़ने की वजह से इनको शुमार किया जाता है, लफ्जतन वाहिदतन एक ही लफ्ज, अर रजुल को आप एक लफ्ज शुमार करते हैं या दो लफ्ज, एक, काइमतुन को एक शुमार करते हैं या दो, बसरी उनको क्या शुमार करते हैं, तो ये जो अलिफ्लाम है रजुल के साथ बड़ा सख्ती से जुड़ गया, या कायमतुन की ता जो है उसके साथ जुड़ गई, या बसरी उनकी या उसके साथ जुड़ गई, तो शिद्दत इम्तिजाज आ गई इन दोनों अज्जा में, तो इस शिद्दत इम्तिजाज की वजह से अगरचे इनको एक लफ्ज शुमार किया जाता है और इन पर एक ही एराब आता है, अर रजुल एक ही एराब आएगा या अलिफ्लाम पर अलग एराब आएगा, एक ही, कायमतुन एक ही एराब आएगा या ता पर अलग आएगा, और बसरियुन एक ही एराब आएगा या पर अलग एराब आएगा, तो इन पर एराब एक ही आता है, तो शिद्दत इम्तिजाज की वजह से इनको एक ही लफ्ज शुमार किया जाता है और इनको एक ही एराब दिया जाता है। लेकिन ये है मुरक्कब, लेकिन ये है मुरक्कब, क्योंकि जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है, लिहाजा ये सब और इस जैसे लफ्ज कलिमा की तारीफ से खारिज हो गए। बात समझ में आ गई, तो कहते हैं लाकिन नहु युअद्दु लिशिद्दति लिम्तिजाजी लफ्जतन वाहिदतन, लेकिन इनको शिद्दत इम्तिजाज की वजह से एक ही लफ्ज शुमार किया जाता है, वह अरिबा भी एराब इन वाहिदिन, और इनको एक ही एराब दिया जाता है, वह बकिया मिसलो अब्दिल्लाह, और अब्दिल्ला जैसे अब्दुल्ला जैसे लफज बाकी रह गए, आलमन इस हाल में कि यह क्या हो, आलम हो, वह बकिया मिसलो अब्दिल्ला ही आलमन दाखिलन फी ही, और बाकी रह गए अब्दुल्ला जैसे लफ्ज इस हाल में कि वह आलम हो, दाखिलन फी ही, वो इसमें दाखिल होकर बाकी रह गए, अब्दुल्ला जैसे लफ्ज भाई, अगरचे इस पर दो एराब आते हैं, अब्दुल्लाह पहले अब्द पर रफा है, मसलन जा अनी अब्दुल्ला, तो अब्द पर क्या आया, रफा, और लफ्ज अल्लाह मजरूर, तो दो एराब आ गए, तवज्जो है, तो दो एराब आ गए, लेकिन ये जब आलम हो किसी का नाम रख दिया जाए तो इस सूरत में लफ्ज अब्दुल्ला मैंने बोला और जात अब्दुल्ला मैंने मुराद ले ली, तो जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत नहीं, आलम के अंदर माना मकसूद नहीं होता, तो जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत नहीं कर रहा, अगरचे दो लफ्ज हैं लेकिन जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत नहीं कर रहा, इसको इसलिए इसको मुफरद कहेंगे, क्या कहेंगे, मुफरद कहेंगे, तो ये इस तारीफ में दाखिल है, क्योंकि हमने भी क्या कहा था, वो लफ्ज या माना क्या होना चाहिए, मुफरद होना चाहिए, और अब्दुल्ला जब आलम हो तो ये भी क्या है, मुफरद, अगर ये आलम नहीं है फिर ये मुरक्कब है, फिर निकल जाएगा, क्योंकि जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत करेगा भाई।
तो कहते हैं वबकिया मिसलु अब्दिल्लाही अलमन दाखिलन फीही, और बाकी रह गए अब्दुल्ला जैसे अल्फाज इस हाल में कि वो अलम हो, वो बाकी रह गए इसी में दाखिल होकर, मा अन्नहु मौरबुन बि एराबैनी, बावजूद इसके कि ये मौरब है बि एराबैन, दो एराबों के साथ, यानी इसको दो किस्म के दो एराब दिए गए हैं। बात समझ में आ गई। हासिल ये हुआ वला यख्फा अलल फतिन अल आरिफ बिल गरज मिन इल्म अन नहवी अन्नहु लौ कानल अमर बिल अक्स लकाना अनसबा। यहां से शारह जामी एतराज कर रहे हैं और अपनी राय जिक्र फरमा रहे हैं कि साहिब काफिया ने कलिमा की ऐसी तारीफ की जिसके जरिए अर रजुल कायमतुन और बसरी जैसे अल्फाज निकल गए और अब्दुल्ला जैसे अल्फाज दाखिल रहे कलिमा की तारीफ के अंदर। अर रजुल बसरी और कायमा जो है इनको कलिमा नहीं कहेंगे और अब्दुल्ला को कलिमा कहेंगे। तो फरमाते हैं वला यख्फा अलल फतीनी, फतीन का माना है जहीन भाई, समझदार जहीन। अल आरिफ बिल गरजी मिन इल्म नहवी, इल्म नहव की गरज को जानने वाला, आरिफ का माना जानने वाला पहचानने वाला। तो साहिब जामी फरमाते हैं कि वो समझदार शख्स जो इल्म नहव की गरज को जानने वाला है उस पर वाकिफ है, उस पर यह बात मख्फी नहीं है कि अगर मामला इसके बरअक्स होता तो ज्यादा मुनासिब था। यानी साहिब काफिया ने तो अर रजुल कायमतुन बसरी जैसे लफ्जों को कलिमा से निकाल दिया, अगर इनको बाकी रखा जाता तो बेहतर था, और साहिब काफिया ने अब्दुल्ला जबकि वो आलम हो उसको कलिमा के अंदर बाकी रखा, अगर उसको निकाल दिया जाता तो ज्यादा मुनासिब था। किस शख्स के लिए? जो समझदार हो और इल्म नहव की गरज से वाकिफ हो। क्यों, किस तरह? भाई देखिए, कहते हैं इल्म नहव की गरज यह है कि जो नहवी होता है वो अरबी अल्फाज से बहस करता है कि कौन सा लफ्ज मौरब है, कौन सा लफ्ज मबनी है, और मौरब है तो उस पर क्या एराब पढ़ना है, किस तरह एराब पढ़ना है। तो नहवी की असल तवज्जो अल्फाज की तरफ होती है, माना की तरफ उसकी तवज्जो तबान होती है, क्योंकि लफ्ज माना पर दलालत करते हैं। तो नहवी की असल तवज्जो किसकी तरफ? अल्फाज की तरफ, माना की तरफ असल तवज्जो नहीं। और लफ्जों के एतबार से अर रजुल जारिबतुन कायमतुन और बसरी वगैरह इनको एक लफ्ज शुमार किया जाता है और इन पर एक ही एराब आता है, लिहाजा जब इनको एक लफ्ज शुमार किया जाता है और इन पर एक एराब आता है तो इनको कलिमा की तारीफ में दाखिल होना चाहिए था भाई, और अब्दुल्ला पर दो एराब आते हैं तो लिहाजा उसको कलिमा से खारिज होना चाहिए था। बात समझ में आ गई। यानी ये लफ्ज जो हैं इनको मुफरद कहना चाहिए, मुरक्कब नहीं कहना चाहिए। आपने अर रजुल कायमतुन और बसरी को क्या कहा? मुरक्कब कहा। क्यों कहा? क्योंकि जुजे लफ्ज किस पर दलालत कर रहा है? जुजे माना पर। हालांकि लफ्ज एक है, एराब एक है, तो माना को नहीं देखना चाहिए भाई। आप कह रहे हैं जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है, इसलिए यह कलिमा की तारीफ से क्या हो गए? खारिज हो गए। भाई असल तवज्जो किसकी तरफ है? नहवी की, अल्फाज की तरफ, और इनको भी क्या शुमार किया जाता है? एक लफ्ज, और इन पर भी एराब एक ही आता है, तो जब एराब एक आता है, लफ्ज एक समझा जाता है, तो इसको मुफरद ही समझना चाहिए। माना की वजह से इसको मुरक्कब नहीं कहना चाहिए कि जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है, इसलिए यह क्या बन गया? मुरक्कब हो गया और यह कलिमा की तारीफ से खारिज हो गया। बात समझ में आ गई। तो इनको निकालना नहीं चाहिए था। और अब्दुल्ला, अब्दुल्ला लफ्जों के एतबार से अगरचे मुरक्कब है, अब्दुल्ला लफ्जों के एतबार से मुरक्कब है, लेकिन जब ये नाम बन गया, आलम बन गया, तो जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत नहीं कर रहा, माना एक है लेकिन लफ्ज तो दो हैं, तो इसको मुरक्कब ही शुमार करना चाहिए, माना को नहीं देखना चाहिए कि माना चूंकि एक जात है इसलिए अब्दुल्ला मुरक्कब नहीं है बल्कि क्या है? मुफरद है। नहीं बात समझ में आई? नहीं बात समझ में आई? फिर सुनो, इन्होंने बतलाया कि मुफरदीन की कैद के जरिए अर रजुल और कायमतुन और बसरी जैसे अल्फाज निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि जुजे लफ्ज क्या कर रहा है? जुजे माना पर दलालत कर रहा है, ये मुफरद नहीं है, और अब्दुल्ला उसका माना तो एक जात है, तो जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत नहीं कर रहा, तो यह कलिमा की तारीफ के अंदर दाखिल है। तो साहिब जामी फरमाते मुनासिब यह था कि अब्दुल्ला को निकालना चाहिए था और जो अर रजुल और कायमतुन और बसरी वगैरह हैं उनको बाकी रखना चाहिए था, क्योंकि नहवी की असल तवज्जो किसकी तरफ होती है? लफ्ज की तरफ, और माना की तरफ तवज्जो बितबा होती है। तो लफ्जों के एतबार से तो अर रजुल और कायमतुन और बसरी क्या हैं? एक लफ्ज इनको शुमार किया जाता है,
इसको और एराब भी कितने आते हैं, एक एराब आता है, तो इसको मुफरद शुमार करना चाहिए था, आपने इसको क्या शुमार किया, मुरक्कब। क्यों? माना की तरफ नजर करते हुए कि जुजे लफ्ज किस पर दलालत कर रहा है, माना पर। हालांकि नहवी की तवज्जो तो असल लफ्जों की तरफ होती है, लफ्जों के एतबार से तो ये एक लफ्ज है और एराब भी एक है, तो इसको मुफरद कहना चाहिए, माना की वजह से इसको मुरक्कब नहीं कहना चाहिए कि जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है। इसी तरह अब्दुल्ला का लफ्ज है, उसको आपने क्या कहा, मुफरद कहा। क्यों मुफरद कहा? क्योंकि जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत नहीं कर रहा, क्योंकि अब्दुल्ला जब नाम है एक आदमी का तो इसे वो जात मुराद है, तो जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत नहीं कर रहा। तो यह तो आपने माना के एतबार से इस लफ्ज को क्या कह दिया, मुफरद कह दिया। हालांकि लफ्ज तो दो हैं, अब्द अलग है और लफ्ज अल्लाह अलग है, और एराब भी कितने आ गए, दो। तो नहवी की जब असल तवज्जो अल्फाज की तरफ होती है तो ये लफ्ज दो हैं, तो इनको शुमार भी क्या करना चाहिए, दो लफ्ज यानी मुरक्कब शुमार करना चाहिए, माना की वजह से इसको मुफरद नहीं कहना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये माना है वला यख्फा अलल फतिन अल आरिफ बिल गरज मिन इल्म नहवी, और ये बात पोशीदा नहीं है उस समझदार आदमी पर जो जानने वाला है इल्म नहव की गरज और मकसद को, कि अन्नहु लौ कान अल अमरु बिल अक्सी, कि अगर मामला इसके बरअक्स होता, यानी अर रजुल कायमतुन और बसरी को दाखिल रहने देते और अब्दुल्ला को निकाल देते, तो लकाना अनसबा, तो ये ज्यादा मुनासिब था। वमा औरदहु साहिबुल मुफस्सल फी तारीफिल कलिमति हैसु काल हिय लफ्जतु दालतु अला माना मुफरदिन बिल वज़ई। अब यहां से साहिब मुफस्सल की तारीफ भी जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कलिमा की क्या तारीफ जिक्र की, हासिल कलाम समझ लो। देखो साहिब मुफस्सल के नजदीक कलिमा के अंदर वहदत लफ्ज भी जरूरी, वहदत माना भी जरूरी, लफ्ज भी मुफरद होना चाहिए और माना भी मुफरद होना चाहिए। चुनांचे इसीलिए उन्होंने लफ्जतुन जिक्र किया, लफ्जुन नहीं कहा बल्कि क्या कहा, लफ्जतुन, ता वहदत की भी साथ जोड़ दी। अल कलिमतु लफ्जतुन, कलिमा वो एक लफ्ज है, जबकि साहिब काफिया ने लफ्जतुन नहीं कहा बल्कि लफ्जुन कहा, उन्होंने वहदत की ता नहीं जोड़ी, क्योंकि साहिब काफिया के नजदीक कलिमा के अंदर वहदत लफ्ज जरूरी नहीं, हां वहदत माना जरूरी है। लफ्ज एक चाहे न भी हो लेकिन माना एक होना चाहिए। चुनांचे अब्दुल्ला, लफ्ज एक नहीं है लेकिन माना एक है, तो उनके नजदीक जब यह अलम हो तो यह कलिमा है, जबकि साहिब मुफस्सल के नजदीक लफ्ज में भी वहदत हो और माना में भी वहदत। लिहाजा अब्दुल्ला में लफ्ज में तो वहदत नहीं, तो उनके नजदीक जब अब्दुल्ला अलम हो तो वह कलिमा से खारिज है, जबकि साहिब काफिया के नजदीक वो कलिमा के अंदर दाखिल है। फर्क समझ में आया? साहिब जामी क्या फरमा रहे हैं कि अर रजुल कायमतुन और बसरी को दाखिल रहने देते और अब्दुल्ला को क्या कर देते, निकाल देते, ये ज्यादा मुनासिब था। अब दोनों तारीफों का तकाबुल करेंगे और बतलाएंगे कि साहिब मुफस्सल के नजदीक कलिमा में वहदत लफ्ज भी जरूरी और वहदत माना भी जरूरी। वहदत लफ्ज जरूरी, लिहाजा अब्दुल्ला निकल गया क्योंकि उसमें लफ्ज वाहिद नहीं, और नीज वहदत माना भी जरूरी, लिहाजा अर रजुल कायमतुन और बसरी भी निकल गए क्योंकि जुजे लफ्ज क्या कर रहा है, जुजे माना पर दला, तो दोनों चीजें निकल गई उनकी तारीफ से कलिमा होने से। जबकि साहिब काफिया के नजदीक वहदत लफ्ज तो जरूरी नहीं, वहदत माना जरूरी है, लिहाजा साहिब काफिया की तारीफ से अर रजुल कायमतुन और बसरी जैसे लफ्ज तो निकल गए क्योंकि इनका माना मुफरद नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला बाकी है कलिमा की तारीफ में क्योंकि अब्दुल्ला में लफ्ज बेशक ज्यादा लेकिन वहदत माना तो है, वहदत लफ्ज तो जरूरी ही नहीं है साहिब काफिया के नजदीक। भाई साहिब मुफस्सल ने क्या किया, अब्दुल्ला को भी निकाल दिया और अर रजुल और कायमतुन और बसरी वगैरह को भी निकाल दिया। अब्दुल्ला को तो निकालना ही चाहिए था, साहिब जामी फरमा रहे हैं, लेकिन अर रजुल और कायमतुन और बसरी को नहीं निकालना चाहिए था, तो यह एक खराबी है, किसकी एक खलल है, एक कमी है, किसकी तारीफ में, साहिब मुफस्सल। जबकि साहिब काफिया की तारीफ में अब्दुल्ला दाखिल है, हालांकि इसको क्या करना चाहिए था, निकालना चाहिए था, और अर रजुल कायमतुन और बसरी को भी निकाल दिया हालांकि इनको दाखिल रखना चाहिए था, तो इसमें दो खलल हैं। भाई कहते हैं वमा औरदहु साहिबुल मुफस्सल फी तारीफिल कलिमती,
और वो अल्फाज जो लेकर आए हैं साहिब मुफस्सल फी तारीफ इल कलिमती, कलिमा की तारीफ में, है सुकाला इस तौर पर कि उन्होंने फरमाया है ही अल्लफ़ज़तु दाल्लतु अला मानम मुफ़रदिन बिल वज़ई, कि कलिमा जो है अल्लफ़ज़तु एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा लफ्ज़ है, अद्दाल्लतु अला मानम मुफ़रदिन, जो दलालत करे मुफ़रद माना पर, बिल वज़ई किसके साथ, वज़ा के साथ दलालत करे, वज़ा की वजह से दलालत करे। फमिसलो अब्दुल्ला, अब देखो इस तारीफ पे भी नजर रखना और बताएंगे इससे कौन सी चीज निकल रही है और कौन सी चीज दाखिल हो रही है। कहते हैं फमिसलो अब्दिल्लाही आलमन, तो अब्दुल्ला जैसे लफ्ज जो है इस हाल में के वह आलम हो, खाराजा अन हो, ये इस तारीफ से निकल गए। क्यों भाई, क्यों निकल गए? कहते हैं फइन्नहु ला युकालु लहु लफ्ज़तुन वाहिदतुन, इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला जब आलम हो तो इसको एक लफ्ज नहीं कहा जाता। और इन्होंने तो तारीफ में क्या कैद बढ़ा दी थी, लफ्ज़तुन कहा था। वबकिया मिस्लु रजुली वकाइमतिन वबसरीयिन, और अर रजुल कायमतिन और बसरी जो हैं ये अभी भी तारीफ के अंदर बाकी हैं। मिम्मा युअद्दु लिशिद्दतिल इम्तिज़ाज लफ्ज़तन वाहिदतन, जिनको शिद्दत इम्तिज़ाज की वजह से एक ही लफ्ज शुमार किया जाता है, ये दाखिलन फीही, ये अभी भी इसके अंदर दाखिल हैं, ये बाकी हैं दाखिल होकर। तवज्जो है, जरा उस तारीफ पे नजर रखो। ही अल्लफ़ज़तु दाल्लतु अला मानम मुफ़रदिन बिल वज़ई, जब कहा अल्लफ़ज़तु एक लफ्ज होना चाहिए तो अब्दुल्ला निकल गया, वो तो एक लफ्ज नहीं। लेकिन अर्रजुल कायमतुन और बसरी ये अभी भी बाकी हैं, क्योंकि ये सब क्या हैं, एक लफ्ज शुमार किया जाता है इनको शिद्दत इम्तिज़ाज की वजह से। लेकिन जब आगे कहेंगे मानम मुफ़रदिन, माना क्या हो इनका, मुफरद हो, अब ये भी निकल गए, क्योंकि यहां तो जुजे लफ्ज क्या कर रहा है, जुजे माना पर दलालत कर रहा है। तो अल्लफ़ज़तु की कैद से कौन निकल गया, अब्दुल्ला, और मानन मुफरदिन की कैद से कौन निकल गया, अर रजुल बसरी और कायमा जैसे अल्फाज निकल गए जिसमें जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत कर रहा है। तो कहते हैं फिर दोबारा देखिए, फमिसलु अब्दिल्लाहि अलमन खरजा अनहु फइन्नहु ला युकालु लहु लफ्ज़तुन वाहिदतुन, तो अब्दुल्ला जैसे लफ्ज जो कि इस हाल में के आलम हो वो इससे निकल गए क्योंकि उनको एक लफ्ज नहीं कहा जाता। व बकिया मिसलु रजुलि व कायमतिन व बसरीयिन, और अर रजुल कायमतुन और बसरी जैसे अल्फाज बाकी रह गए जिनको शुमार किया जाता है शिद्दत इम्तिजाज की वजह से एक ही लफ्ज, ये बाकी रह गए दाखिलन फीही इस तारीफ में दाखिल होकर। फअखरजहु बिकैदिल इफरादी, फिर इनको भी निकाल दिया साहिब मुफस्सल ने इफराद की कैद के जरिए, मानन मुफरत की जो कैद मुफरत की कैद लगा दी इसके जरिए इनको भी उन्होंने निकाल दिया। वला लम युखरिजहु, और अगर वो इनको न निकालते बितर की ही बाई सूरत के इस कैद को छोड़ देते, ये मुफरत की कैद न लगाते, लकान अनसबा, तो ये ज्यादा मुनासिब था, लिमा अरफ़ता, उस वजह से जो आप जान चुके हैं, यानी जो हमने जिक्र कर दिया, जो हमने पीछे तफसील बयान कर दी भाई। तो कहते हैं वलाउ लम युखरिज हु, और अगर वो इनको न निकालते बितर की ही बाई सूरत के छोड़ देते, किस चीज को छोड़ देते, ये जो इफराद की कैद उन्होंने लगाई अला मानन मुफरदिन, ये मुफरद की कैद को अगर वो छोड़ देते तो ये ज्यादा मुनासिब था, लिमा आरफ्ता, उस वजह से जो आपने पहचान ली, जो हमने पीछे तफसील बयान कर दी भाई। अगर साहिब मुफस्सल या मुफरद की कैद न बढ़ाते तो बेहतर था भाई। चलिए बस करें बस भाई, यहां तक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।